नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज का विशेष एपिसोड लेकर आए हैं। बिंदास में आप हमेशा दर्शक कॉल पर स्काइप पर जुड़े रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ शिक्षा क्षेत्र के लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज का शिक्षा विशेष बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षक दिवस के मौके पर। हम दुनिया में कभी विश्वगुरु थे, लेकिन आज विश्व के विद्यार्थी बनकर रह गए हैं। दुनिया भर के लोग जहां जिस देश में पढ़ने आते थे, यहां एडमिशन लेने के लिए राजा महाराजाओं को सिफारिश करनी पड़ती थी। जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, तब ये देखते हैं कि हमारे तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे कि वहां पर एडमिशन न मिलने के कारण जब फाइनल लिस्ट लग जाती थी तो उसके गेट पर कीचड़ होता था। वो कीचड़ एडमिशन न मिलने वाले राजपुत्रों के आंखों से निकले वाले आंसुओं का होता था। ऐसा कभी जहां का शिक्षा स्तर विश्व का रहा है, आज दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के भी बुरे हाल है, और इस स्थिति को बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लंबी पहल करके पहली बार देश में शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए ऐसी पहल हुई है जिस पर सुदर्शन अपना साथ देना चाहता है। और मेरे साथ जुड़े हुए सात विभिन्न क्षेत्र के लोगों को हम इस पूरे बिंदास बोल में चर्चा में रखेंगे। मेरे साथ शिक्षा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं जो शिक्षक के तौर पर है प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र से। मेरे साथ विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मैनेजमेंट के लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं और धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, विधि विभाग के भी लोग हैं। और आप सब लोग हिंदुस्तान पूरा जो टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा हमेशा की तरह बिंदास में अपनी बेखौफ प्रतिक्रिया देगा। हम आज का बिंदास बोल एक घंटे से बढ़ाकर सीधा 2 घंटे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस विषय को पूरा न्याय दे सके। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के प्रति पूरा हिंदुस्तान अगर गंभीर होता है तो एक ही क्षेत्र से हम ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का चित्र बदल सकते हैं, क्योंकि भारत का विश्वगुरु रहेगा तो दुनिया निश्चित तौर पर बहुत कुछ हासिल कर रही होगी। आइए हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दे को देखते हैं। शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा में राजनीतिक दखलंदाजी, योजनाओं के सही क्रियान्वयन की ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं, शिक्षकों का विद्यालय से नदारद रहना, शिक्षा पाने के लिए कोई गंभीर नहीं, शासकीय व्यवस्था को देखकर लोगों का मोह भंग होना, सरकारी योजना का सही लाभ बच्चों को नहीं मिल पाना, देश भर में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू हो। ए न्यू बॉय, नजर इधर, ब्लैक बोर्ड पे देखा देखा कहां बनाया मैंने पॉइंट, देखा पॉइंट, ये मेंढक कितने आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, डोंट लाफ, पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने, दिखा नहीं दिखता, नहीं दिखता पॉइंट, नहीं दिखता। सतीश भटकल, कम हियर एंड शो हिम वेयर आई एम एट द पॉइंट ऑन ब्लैक बोर्ड। अब दिखाई दिया, वेरी गुड, इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद, अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5 क्या। फिल्म के इस सीन में आपने देखा किस तरह से शिक्षक एक छोटे से बच्चे की कितनी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। ऐसे ही हालात भारत के कई स्कूलों में सच में देखे जाते हैं। आज के समय में शिक्षा के मायने पहले के अनुसार काफी बदल गए हैं। आज जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए न तो राजनीति में कोई उथल पुथल देखी जा रही है और न ही समाज इसकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करता नजर आ रहा है।
शिक्षा में सुधार की बातें तो अक्सर सुनने में आती हैं, लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आता। हालांकि इसके लिए शिक्षक भी बराबर के दोषी माने जाएंगे। आए दिन किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल पर चले जाना और स्कूलों की छुट्टी हो जाना आम बात हो गया है। छात्र शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन वहाँ से शिक्षक ही नदारद रहते हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न लगना लाजिमी है। अगर ये कहा जाए कि शिक्षा आज बाजारीकरण की मार झेल रही है तो गलत नहीं होगा। शिक्षा को लेकर शासन की गंभीरता का आलम ये है कि वे कई योजनाएं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू तो करती हैं, लेकिन उन योजनाओं की दशा और दिशा की ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाती, जिस कारण योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासकीय व्यवस्था को देखकर भी लोगों का मोह भंग हो रहा है, जिससे पैसे वालों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और गरीब बच्चे सरकारी शिक्षा का अभिशाप झेलने के लिए विवश हैं। गौर करने वाली बात है कि जब हमारे देश में शिक्षा के बीच खाई बनी हुई है तो उससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें छात्रों की, तो छात्रों का रुझान भी शिक्षा की तरफ से कम होता जा रहा है। छात्र शिक्षकों का सम्मान करना भूल गए हैं। वहीं मोबाइल और कंप्यूटर जैसे साधन भी छात्रों को शिक्षा से दूर लेते जा रहे हैं। ये सही है कि वैश्वीकरण के दौर में आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन छात्र इन उपकरणों का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं। मोबाइल पर दिन भर चैटिंग में लगे रहते हैं, पोर्न साइट खोलकर अश्लील फिल्में देखते हैं। ये सब चीजें ही उनकी मानसिकता को नकारात्मक बनाती है, जिसके चलते वे लड़कियों के साथ भी बदतमीजियां करने से बाज नहीं आते और कक्षा में बैठकर भी शिक्षा पर ध्यान नहीं लगा पाते। आज शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है, अगर जल्द से जल्द उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो समय दूर नहीं जब भारत की गिनती पिछड़े देशों में गिनी जाने लगेगी। सरकार, समाज, शिक्षक, माता पिता और शिक्षा प्रणाली सबको अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा, ताकि शिक्षा का जो गिरता स्तर है उसे समय रहते संभाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर हमेशा की तरह आपको बेखौफ होकर बोलना है। ये हमारा पूरे देश का मुद्दा है, ये केवल किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक सीमित नहीं है, क्योंकि कल का भारत है, ये आने वाला भारत है और ये हम सबका भारत है। और इसलिए शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ, आप सबके साथ जो कि लाइव में इस कार्यक्रम को देख रहे, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है शिक्षक। हम शिक्षक से इस मुद्दे को शुरू करेंगे, चर्चा को शुरू करेंगे कि आखिर शिक्षक की स्थिति ऐसे क्यों हो गई है। वैसे तो शिक्षक हमारे यहाँ गुरु का दर्जा रखता है। गुरु कहते ही हाथ जोड़कर चरणों को हाथ लगाने की, झुककर प्रणाम करने की इच्छा होती है। ऐसी धारणा, ऐसा मान, ऐसा सम्मान, ऐसी आस्था जिस नाम के प्रति है, उस नाम में अब केवल टीचर रह गया है, शिक्षक रह गया है, उस नाम से गुरु अप्रत्यक्ष रूप से गायब हो चुका है। ये 2014 का वास्तव है, लेकिन फिर भी ये दोबारा उस स्थिति तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे यहां पर भी या दुनिया में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। हमारे यहां 1200 साल की गुलामी में कई क्षेत्रों की मान्यताएं घटी, लेकिन दोबारा हम उसको प्रस्तावित करने में कामयाब रहे। अब शिक्षा क्षेत्र में गुरु की मान्यता घटी है, उसको दोबारा प्रस्तावित करना है, तो पूरे इस शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अगर घटक कोई है तो वो है शिक्षक। इसलिए जरा पहले शिक्षक की क्या स्थिति है इस पर नजर डालते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस भारतीय समाज में 20वीं सदी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर आशुतोष मुखर्जी जैसे शिक्षकों ने देश के छात्रों के भविष्य को सही मार्गदर्शन दिया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर पश्चिम सभ्यता का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि शिक्षक के पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। आज नतीजा है कि देश के स्कूलों, कॉलेज में शिक्षक की भूमिका पर समय समय पर सवाल उठेंगे। गांधी और चंद्रशेखर आजाद के देश में शिक्षक पर अपने छात्रों पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगेंगे।
आज के शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों का छात्रों को पढ़ाने में रुचि न रखने का कारण है कि छात्र आज क्रिकेट, फिल्म और टीवी के कलाकारों, एथलीटों और उद्यमियों को ही अपना आदर्श समझता है। आज की शिक्षा प्रणाली जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों की प्रणाली में शिक्षक बहुत कम हैं, जो सही शिक्षा देते हैं। जो बच्चे आज सरकारी शिक्षा प्राप्त करते हैं वे समाज के निचले स्तर पर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं जो प्राइवेट स्कूल में टीचर अधकचरी शिक्षा देते हैं उसका असर आजीवन रहता है और बाद में कॉलेज के शिक्षा उस कमी की भरपाई नहीं कर पाती। शिक्षा की ये कठिनाई आर्थिक कठिनाई में बदल जाती है, जिसका ही नतीजा है कि आज हमारी युवा पीढ़ी को भविष्य में जीवन यापन के लिए गलत रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये शिक्षक मुद्दे से हम शुरू करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हर मुद्दे को, अभी जैसे हमने शिक्षक के विषय को लिया है, तो कॉल करने वाले लोग भी, स्काइप पर बात करने वाले लोग भी, और मेरे साथ जो इस क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं वो उसी विषय पर फोकस करके एक एक विषय को हम खत्म करें। हम करीब 10 से 12 मिनट एक विषय को देंगे। अब हम शिक्षक विषय को शुरू करते हैं। शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे शुरू करते हैं। क्या बात आप करना चाहेगी इस विषय पर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टीचर्स डे पे सबको, आप लोगों को, बिंदास बोल की पूरी टीम को, इस चैनल को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक बार अपने आप को भी मैं बूस्ट अप कर लूंगी एज अ टीचर। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मुझे टीचर में जब बोलना है तो मुझे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं, इसलिए मैं बेखौफ बोल सकती हूँ आपके चैनल पर। जो भी टीचर की स्थिति आपने जाननी चाहिए, या टीचर के साथ जो भी टीचर्स के साथ जो भी कंडीशन जुड़ जाती है जिसके कारण वो खुलकर बच्चों को ध्यान नहीं दे पाता, उस विषय में मैं सब बोलूंगी धीरे धीरे। पर अभी जो सबसे पहली बात मैं टीचर्स के बारे में बोलने चाहूंगी, टीचर्स अभी भी इंडिया में, जैसे आपने बोला कि काफी पीछे हो गए हम लोग, लेकिन भूमिका बनाने की, फिर भी हम जो है टीचर्स अभी भी जो है वंदनीय है, आदरणीय है। किसी भी गांव में लेकिन टीचर घटा है, ये आप मानती? हाँ बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल घटा है। शिक्षक इस विषय का दर्जा घटा है, बिल्कुल घटा है। उसकी वजह है, उसके कई सारे कारण है। धीरे धीरे अगर आप सामाजिक कारण देखें, आर्थिक कारण देखें, सब लोगों की जिम्मेदारी देखें, तब आप इस पूरे विषय को समझ पाएंगे कि क्यों घटी है टीचर की। आपको क्या लगता है शिक्षक का दर्जा क्यों घटा है? इस पर पहले बहस करते हैं। सबसे पहले तो जो टीचर का घटा है इसका कारण है वैश्वीकरण। हम लोग हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं, अपने देश को दूसरे देश से, पश्चिमी देशों से हम तुलना करते हैं। और हमारे जो सबसे कमी हमारे समाज में भी हुआ है, शायद सारे लोग सहमत हो गए इस बात से कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि एक स्कूल में सफाई हो रही थी तो मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं खुद एक जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, चौथी कक्षा तक हमारे स्कूल में जो नीचे फ्लोरिंग नहीं होती थी तो हम किसानों के पास से जाके गोबर लाते थे और हमारे स्कूल के अंदर की बहनें उसको गोबर लेपती थी। तो हमारा उस स्कूल के एक एक सेंटीमीटर से आत्मीयता थी और स्कूल को भी हमसे थी। लेकिन क्या अब की स्थिति यह है कि जो विद्यार्थी है उपभोक्ता हो गया है और जो स्कूल है वो एक दुकान हो गया है आपके पास? शिक्षक, आज के समाज में जो शिक्षक है वो केवल शिक्षक बन के रह गया, उसको गुरु बनना होगा। वो गुरु के पद से नीचे आता चला जा रहा है, नैतिकता का ह्रास लगातार हो रहा है। इसी कारण से ऐसा लगता है शिक्षक वर्ग में भी जो उनके प्रति समर्पण, प्रेम, आदर का भाव होना चाहिए वो कम हुआ है। उसका कारण यह है कि समाज की नैतिकता कम हुई है, इसी तरह से शिक्षकों में भी नैतिकता का ह्रास हुआ है। क्यों हुआ है? नैतिकता का ह्रास होने का कारण वैश्वीकरण तो जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं आज जो मॉरल वैल्यूज गिरी हैं, वो आर्थिक दृष्टि एक बहुत बड़ा कारण है। पर आज का शिक्षक को सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम मार्क पड़ने के कारण, बच्चों को कम मार्क्स पड़ते तो सैलरी घटती नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो उनको भी लगेगा कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। ये सब चीजें बहुत बड़ा कारण है जिससे समाज की नैतिकता भी नैतिकता में कमी आई है, इसी कारण से स्टूडेंट्स में भी नैतिकता में कमी आई। बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शिक्षक और
छात्र के बीच में गैप बढ़ा है उसमें काफी बड़ा रोल जो है ना वो सरकार का भी रहा है। अब आप देखिएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक ऐसा नियम बना दिया कि आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते, बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चा कुछ भी कर ले पर शिक्षक को इतना अधिकार नहीं कि प्यार से उसको डांट भी सके। आप देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपने टीचर के लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया पर उस बच्चे के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आज आप देखिएगा अगर शिक्षक कुछ कह देता है तो तुरंत बच्चा ये कहता है कि मीडिया को बुला रहा हूं या मैडम आप माफी मांगे। तो इस प्रकार से जो एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया कि मतलब आज कुल मिलाकर के मीडिया ने ये सरकार ने ये तय करने का प्रयास किया है कि शिक्षक आज बच्चे का दुश्मन है, वो उसका मित्र नहीं है, उसका गुरु नहीं है। ये भी एक माहौल बनाने में सरकार की बड़ी भूमिका रही है। शिक्षक जरा इस विषय पर मीडिया वाला सर, आपने जैसे जापान का अभी एग्जांपल दिया सफाई का, मोदी जी ने बोला कि वहाँ बच्चे और टीचर मिलकर सफाई करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अगर आज भी भारत के ज्यादातर हिस्से में करते हैं। हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए एकदम सटीक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। अगर दो कुर्सियां गंदी है और उस पर टीचर और बच्चे को दोनों को बैठना है तो हमारे आजकल भारत में जो टीचर होगी वो कहेगी बेटा दोनों कुर्सी आप साफ कर दो हमें बैठना है। क्या वो टीचर बच्चे के लिए कुर्सी साफ कर सकती है? ये एंगल हमें अपने को अंदर लाना पड़ेगा कि अगर वो कुर्सी गंदी है मैं अपने लिए भी साफ करूं और उस बच्चे के लिए भी साफ करूं, तब देखिए वो बच्चा अगली बार कैसे दोनों कुर्सी साफ करके आपके आगे। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं। बिंदास की खासियत है कि देश विदेश के कई विशेषज्ञ कॉलर अपनी बात को रखते हैं, आम आदमी अपनी बात को रखते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? नमस्ते सुरेश जी। मैं राहुरी शिरडी से महाराष्ट्र से नामदेव गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। शिक्षा की बदहाली के लिए पहले तो माँ बाप जिम्मेदार है सर। बच्चा जब स्कूल में बार बार गलती करता है तो उसे शासन होना जरूर है। शिक्षक जब बोलने पर बच्चों को बुखार आता है तो माँ बाप उसके ऊपर शिक्षक के ऊपर कैश ठोक देते हैं, तो शिक्षक कैसे पढ़ाए? एक मिट्टी का घड़ा जब बनाते हैं तो उसे थपेड़े थपेड़े मार कर सुंदर आकार दिया जाता है। विद्यार्थियों के आदर्श भविष्य निर्माण के लिए शासन और डांट जरूरी है। माँ बाप का झूठा प्यार, बेटा तू पढ़ाई कर, बेटा तू ये काम मत कर, इतना तो धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। माँ बाप वाले मुद्दे पे इस पे भी बात करेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहना ये है, हेलो बोलिए ना। हाँ, मेरा कहना यह है कि नेताओं और ये बड़े अधिकारी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर इनके लिए यही चीज अनिवार्य कर दी जाए तो टीचर की भर्ती भी हो जाएगी और ये जो सुविधाएं हैं टॉयलेट वगैरह की, पानी की, ये खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी। लेकिन क्या है कि इसमें ये समझ लिया गया कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। ये चीज इसी कारण से है कि गरीब परिवारों के बच्चे वहां पे जाते हैं। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात कही है। इस मुद्दे पर मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा चर्चा को। वैसे तो हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्याय, ये चार ऐसे क्षेत्र थे जो सरकार अर्थात तब राजा व्यवस्था थी, ये राजा के पास होते थे और किसी भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी और राजा का बच्चा भी एक जगह पर पढ़ सकते थे। बहुत सालों तक हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था थी और इसलिए जब तक इस देश में ये व्यवस्था लागू रही, इस देश के गरीब घर का बच्चा भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी बन पाया, जो कि बैरिस्टर और इस देश का कानून मंत्री बन सका, और देश के तमाम ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थे लेकिन शिक्षा का समान अधिकार होने के कारण वो बाकी लोगों के मुकाबले आगे आ पाए। लेकिन आज ये स्थिति है कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर है, अमीर का बेटा डॉक्टर बनेगा और एक साधारण मोची का बेटा आज डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। शिक्षा का बाजारीकरण इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है। हम शिक्षक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है? हाँ चौहारी, जय हिंद। बोलिए सर, ये आप जो शिक्षक दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम दिखा रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। और सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के समय में ना तो उस प्रकार के शिक्षक रहे हैं और ना ही उस प्रकार के विद्यार्थी, जिसके कारण ये समाज में विभिन्नताएं और ये विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। सर धन्यवाद। सर धन्यवाद। हम शिक्षकों के पास दोबारा आते हैं, आप भी बात कर सकती है आप। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो शिक्षक हैं
उनको भी अपने आप में बदलाव लाना है और जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपने अंदर बदलाव लाना है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि वालदेन जो हैं उस्ताद जो है वालदेन से ऊपर होता है, वो वालदेन पेरेंट्स के बराबर होते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर उस्ताद डांट देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जैसे कि अभी इन साहब ने फरमाया। तो मेरा ये कहना है कि और विद्यार्थी को इस तरह से बदलाव लाना है कि वो जो है टीचर को टीचर ही माने, अपना उस्ताद ही माने, क्योंकि अगर टीचर विद्यार्थी कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी ऊंचा हो जाए, शिक्षा क्षेत्र में है? कम से कम 20 साल हो गए। तो 20 साल में स्थिति खराब हो रही है या कुछ सुधर रही है? मेरे नजदीक जो है 12th तक के लेवल का की स्थिति जो है वो शायद नीचे जा रही है। बिल्कुल, आपके पास जरा आज आपको कितने साल हुए? मुझे लगभग 3 से 4 साल। ठीक है, तो आप 17 साल पहले का जो बदलाव है वो आपके बातचीत में दिखेगा। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम कहना चाहती हूँ। आज के व्यवसायीकरण या कह लीजिए या अपने वर्क बेस की वजह से मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ उनको, सबसे पहले सबको मेरे गुरु को प्रणाम। और आपने जो कहा उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, मैंने खुद जाकर वहाँ देखा है जब मैं बीएड की ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ जितने भी शिक्षक रखे गए हैं वो प्राइवेटली रखे गए हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है वो आराम कर रहे हैं या कह लीजिए उनको रखा नहीं गया क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ेगा। और रखे गए ऐसे टीचर जिनको 2000-1000 देकर रखा गया, वो क्यों पढ़ाएंगे जब उनको उतना वेतन नहीं मिल रहा, वो क्यों पढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं इस विषय में मैनेजमेंट के पास आना चाहूंगा, हमारे साथ मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग भी है आपके पास। हाँ, देखिए उनके अध्यक्ष हैं। हाँ बताइए। देखिए मैं यहाँ पे एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि किसी जमाने में हम सुनते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। आज वो पूरी तरह से धारणाएं बदल चुकी हैं। आज का जो शिक्षक है उसको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, उसको तरह तरह की ड्यूटियां लगा दी जाती है, उसका आधा समय तो इसी में निकल जाता है कि कभी वो वोट बनाने के लिए निकलता है, कभी वो और जनगणना के लिए निकलता है। तो आज एक ये भी बड़ा कारण है कि कोई भी सरकारी काम है उसमें शिक्षक को लगा दिया जाता है और उसकी ये सोचा नहीं जाता। अभी हम आपको एज अ मैनेजमेंट सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा आप लोग स्कूल चलाते हैं, जहां तक मैंने स्कूल चलाते समय ज्यादातर शिक्षकों को आज ठेके पे लिया जाता है। भारत के कई हिस्से में 2000 रुपए 1500 रुपए शिक्षकों की महीने की सैलरी है। देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली का एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि दिल्ली में मैं पिछले 15 साल से सरकार के साथ मेरी बराबर लड़ाई जा रही है कि दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में एक नियम बना दिया गया है कि उसमें सभी को बराबर तनख्वाह दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल के बराबर। पर दिल्ली में एक 300 रुपये फीस लेने वाला स्कूल भी है, 10,000 रुपये फीस लेने वाला स्कूल भी है। अब आप ये कहें कि वो 300 रुपये जो फीस लेता है बच्चे से, वो भी 10,000 रुपये जो फीस लेता है उसके बराबर तनख्वाह दे, तो कैसे दी जा सकती है? इसके लिए मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में सरकार को मजबूर कर, और सरकार ने पहली बार ये माना है, ऑफिशियली ये माना है कि दिल्ली में 5 कैटेगरी के स्कूल हैं जो मैंने उन्हें बताया। तो ऐसी स्थिति में, मतलब 5 कैटेगरी में, इसका मतलब शिक्षा क्षेत्र की 5 कैटेगरी हो गई? नहीं, स्कूलों की कैटेगरी है, आर्थिक आधार पर हुई, हमने आर्थिक आधार पर हुई, हमने ये कहा आर्थिक आधार पर, हमने ये कहा कि करावल नगर जैसे इलाके में, गांधीनगर जैसे इलाके में, या तो जो ऐसे गरीब इलाके हैं जहां पे सरकार स्कूल बना नहीं पाई, अगर मैनेजमेंट ने वहां पे जाकर के कम फीस पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे कराया था उसमें भी ये बात आई है कि बेसिक के फीस कम ले रहे हैं, बेसिक के सैलरी कम दे रहे हैं, पर गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं बेहतर ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ये उसके ऊपर है कि जितनी वो फीस लेता है उसके हिसाब से वो सैलरी देता है, और अगर टीचर वहां पढ़ाता भी है तो उसको जबरदस्ती तो रखा जाता नहीं, उसको ये लगता है कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं मुझे आत्म संतुष्टि इससे मिल रही है, कहीं मुझे और अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में मानता हूं उसमें टीचर को कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। संतुष्टि वाली बात बहुत कम लोगों में होगी। क्या आप ये मानते हैं कि बहुत कम सैलरी होना या जॉब की अनिश्चितता होना ये भी उसके परफॉर्मेंस पे परिणाम करता है? नहीं, शिक्षा में तो सबसे बड़ा जो हाल हो रहा है, बेहाल हो रहा है, वो नॉन ग्रैंड बेसिस की वजह से ही सब परेशानियां बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 2004 से मेरा जो, मैं कोपरगांव से हूँ, मेरा जो नॉन ग्रैंड बेसिस के हमारे जो 16 प्रोजेक्ट है, 16 प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट को ही गवर्नमेंट ग्रांट देती है, 13 प्रोजेक्ट तो नॉन ग्रैंड बेसिक पे ही चलाने हैं, तो 3 प्रोजेक्ट में अच्छे पेमेंट है, 13 प्रोजेक्ट में कम पेमेंट है, उसकी वजह से काम पे तो बहुत असर पड़ता है टीचर्स लोगों के। तो गवर्नमेंट का धोरण, गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलनी चाहिए। चाहते हैं, हाँ। आज जब शिक्षक की
उस लाइन में हम अपॉइंटमेंट देखते हैं। आज अच्छा बच्चा जो 10वीं 12वीं में जिनके 95% 92% कोई शिक्षक नहीं बनना चाह रहा, और आज शिक्षा में जो लोग शिक्षक बन के आ रहे हैं वो अपने जमाने में कमजोर विद्यार्थी के तौर पे माने जा रहे थे, क्योंकि उनका अपना लेवल शिक्षा का बहुत वीक रहा, उन्होंने खुद ने पढ़ाई नहीं की और वो मजबूरी में शिक्षा में आए हैं। किसी जगह पर नहीं जा सकते इसलिए गए, इसलिए वो शिक्षा में आए हैं। आज के महाविद्यालय विद्यार्थियों के पास जाना चाहूंगा, आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, अभी शिक्षकों की बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षक भी यहाँ पर है या उच्च शिक्षा के भी क्षेत्र के लोग हैं, एज ए विद्यार्थी स्टूडेंट के नाते आज के प्राध्यापकों के साथ देखते उनके तरफ देखते हुए क्या आप महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के ऊपर सभी लोगों को बधाई, डायरेक्ट मुद्दे करिए बधाई में। सबसे पहले तो आज शिक्षा के ऊपर बात करने से पहले मुझे लगता है इतिहास में जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब पहले आश्रम और गुरुकुल की व्यवस्था होती थी उस समय सभी विद्यार्थी चाहे वो अमीर घराने के हों चाहे गरीब घराने के हों सब एक साथ पढ़ते थे, कोई समानता और असमानता नहीं थी उनके अंदर। लेकिन आज शिक्षक का व्यवहार और विद्यार्थी के प्रति कहीं ना कहीं उसमें बदलाव है, आवश्यकता है। पहले एक गांव का मैं उदाहरण देता हूं, पहले जब एक गांव में ऐसा होता था, गांव में किसका सम्मान होता था, तो कोई कहते थे वो मास्टर जी हैं, मास्टर जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ही ठीक कहा है। क्योंकि आज अगर ट्विटर घर में पढ़ाने आता है तो बच्चे को पता है कि ये बाप का नौकर है, इस भाव से उसके तरफ वो देखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसे की फीस तय करके आ रहा है, इसका पहला उद्देश्य पैसे लेना है। क्या आप मानते हैं व्यवसायीकरण हो गया, ये व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, ये गलत। क्या आप ऐसा मानते हैं? टीचर को अपना वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज करना होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन उसको इस तरह से बिहेव करते हैं, उसके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो घर में आके हमसे बोलती है कि मम्मी जब टीचर ही ऐसे बोलती है तो स्टूडेंट क्या करें, मैं तेरा तू इस तरह। ये अगर स्टूडेंट से ऐसे बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या सीखेगा? हम कुछ एक कॉलर के पास चलते हैं, उनका कॉल लेते हैं, सुनते क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? आवाज नहीं आ रही है ना? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, प्राचीन भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति थी, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था और निःशुल्क दिया जाता था। रसायन, खगोल, योग, आयुर्वेदिक, ज्योतिष, इसको ज्ञान से बच्चों को पूरा तरबतर किया जाता था। परंतु दुर्भाग्यवश 1200 साल की गुलामी में हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसी कई विद्यापीठों को नुकसान पहुंचा। खैर वो बात हो गई सो हो गई, परंतु वर्तमान आधुनिक भारत की शिक्षा की बदतर हालत के लिए नेहरू जी का मैं आधुनिक जो वाद था उनका, भारतीयता से थोड़ा अलग सोचना है। धन्यवाद। देश के पहले प्रधानमंत्री से शुरुआत इस कॉलर ने की है कि देश के पहले प्रधानमंत्री या जो पहली सत्ता यहाँ पर आई उन्होंने ही शिक्षा के प्रति अपना जो नजरिया था वो सेक्युलर कर दिया, उसमें से जो भगवान या सरस्वती थी वो चली गई और अब बगैर आत्मा का केवल अक्षर ज्ञान रह गया है। क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं? जैसे हम जब क ख ग घ पढ़ते थे तो ग का मतलब गणपति ऐसा होता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा गणपति का नाम लेंगे तो ये क्रिमिनल हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा, वो गणपति का नाम कैसे लेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो आप गधा कहो चलेगा लेकिन आप गणपति नहीं कह सकते। तो ये जो नजरिया हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों का रहा, उस कारण सरस्वती वंदना नहीं हो सकती, उस कारण स्कूलों में योग नहीं हो सकता, उस कारण ग का गणपति नहीं हो सकता, और ये सेक्युलर आत्मा के बगैर की शिक्षा आज हम भोग रहे हैं, सजा पा रहे हैं। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए शिक्षा की बदहाली की, शिक्षा के आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए। हिंदुस्तान कभी भी विश्व गुरु तो छोड़िए विश्वविद्यालय भी नहीं बन पाएगा,
और स्थिति को अगर बदलना है, ना केवल भारत के बच्चे बल्कि दुनिया के बच्चों को, अर्थात पूरे आने वाले दुनिया के कल को सही दिशा देनी है, तो भारत के मूल स्वभाव को, अर्थात उसके जो वास्तविक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो ज्ञान, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। और उसके लिए आज का बिंदास बोल में हम मंथन कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। हमने अब तक शिक्षकों के विषय पे बात की, अब हम माता पिता के विषय में बात करना चाहते हैं। क्या है माता पिता की स्थिति, देखिए। क्या बच्चों की स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर के लिए माता पिता भी हैं जिम्मेदार? क्या माता पिता को भी समझने होंगे अपने नैतिक कर्तव्य? माता पिता को भी लेनी चाहिए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि? माँ बाप बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं कि बच्चों के शिक्षा के गिरते स्तर के लिए हर बार शिक्षा प्रणाली को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं और भूल जाते हैं कि इसके लिए कुछ हद तक वे खुद भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि घर से ही बच्चों को नैतिकता के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है, जो किसी भी बच्चे की शिक्षा के लिए पहली सीढ़ी होती है। आज के इस दौर में कोई किसी के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता, जिसकी सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को होती है जो पढ़ाई के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। माँ बाप बस बच्चों के स्कूलों में दाखिले तक ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उसके बाद बच्चों को पूरी तरह से स्कूल के हवाले सौंप देते हैं और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां शिक्षकों पर डाल देते हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में तो एक चलन होम ट्यूटर का भी चल रहा है। शिशु की गिरती मानसिकता के लिए माँ बाप की महत्वाकांक्षा भी जिम्मेदार होती है। माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बेटा बहुत पैसा कमाए और इसके लिए वे अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। एक बच्चे के मन पर जैसा प्रभाव डाला जाता है और जिस तरह की शिक्षा उसे दी जाती है, बड़ा होकर उसी तरह का वो व्यवहार करता है। माता पिता की लापरवाही के चलते उनकी बच्चों से दूरियां भी बनती चली जाती है, जिस वजह से माता पिता अपने बच्चों को किसी का सम्मान करने की शिक्षा भी नहीं दे पाते। भविष्य में फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वही बच्चा अपने माता पिता का भी सम्मान करना भूल जाता है। शोध बताता है कि जहां माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा और स्कूलों में रुचि लेनी शुरू की, वहां की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठा है। गरीब माता पिता भी इस स्तर में अंतर ला सकते हैं। माता पिता को समझना होगा कि अगर वे ही अपने बच्चों को पूरी तरह से स्कूल प्रशासन और शिक्षक के भरोसे छोड़ देंगे, तो उसके शिक्षा का स्तर बढ़ने की जगह गिरता ही चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जैसे मैंने कहा कि उपभोक्तावाद बढ़ा हुआ है, माता पिता को लगता है कि हमने स्कूल को फीस दे दी तो अब हमारे बच्चे का पूरा पैकेजिंग करके रेडी प्रोडक्ट देने का काम स्कूल का है, क्योंकि उसने पैसे पे किए हैं। क्या माँ बाप का यह अप्रोच भी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है? कुछ माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आज मेरे पिताजी को वंदन करना चाहता हूँ कि धारावी जैसे मुंबई में झुग्गी झोपड़े में वो म्युनिसिपैलिटी के मुख्याध्यापक थे, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कहने के लिए कि शिक्षण पद्धति में आमूलाग्र बदल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो टीचर होती है वो अपनी माता होती है, लेकिन आज माता को वक्त नहीं मिलता है कि बच्चों के पास ख्याल देने के लिए। शायद बच्चे से ज्यादा वो टीवी सीरियल पे ज्यादा टाइम देती है, टीवी सीरियल पे ख्याल देती है, और आजकल माता को भी ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट के पास उनको ख्याल देने के लिए वक्त नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर देखेंगे स्कूल में जाने के बाद भी शिक्षक अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, मिनिमम वेज सैलरी भी उसको नहीं मिलती है, तो आप शिक्षक से ऐसा न्याय कहां से देख सकते हैं? क्योंकि आज एक सिपाही होता है, ये प्यून होता है, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। चर्चा करें अभी हम माता पिता विषय पे चर्चा करें। हाँ, अभी पिता नहीं बने हैं, हाँ बोलिए। सबसे जरूरी बच्चों को शिक्षा जो मिलती है वो घर से मिलते हैं संस्कार उसके, जो कि नहीं मिल रहे हैं। आज माता पिता ही अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि बहुत पेरेंट्स, और अभी तो संस्कार वाली बात हमने छेड़ी ही नहीं है, अभी तो संस्कार तो उसके आगे की स्थिति है। जी जी। आज घर की ऐसी स्थिति है, संस्कार का एक उल्लेख कर लेते हैं कि अगर कोई गेस्ट आता है तो बाप बेटे को बोलता है कि जा बता दे कि मैं घर में नहीं हूँ। ये तो आज के संस्कार है। चलिए संस्कारों को हम थोड़ी देर दूर रखते हैं, एटलीस्ट शिक्षा पे बात कर लेते हैं। शिक्षा का तो शिक्षा बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है, और अच्छी शिक्षा मिले तभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला कि अगर बच्चों को शिक्षा मिलती है तो एक बच्ची अगर पढ़ती है तो वो दो परिवारों का भला करती है, और जो कि एक बहुत
भविष्य बनता है बच्ची का। बोलिए जी, इस विषय में मैं सुन रहा था शिक्षकों का और मैनेजमेंट का बात, इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक है आज का, आज नहीं 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 भाई वो पैरेंट लगते हैं क्या, यही आज के शिक्षक नहीं जानते हैं, मैं दुर्भाग्य है कि संन्यास में बोलिए। देखिए प्रतिक्रिया तो सब देंगे ना, देखिए मैं माता पिता का स्थायी पे तो नहीं हूं, लेकिन एक गुरु का स्थायी से धार्मिक रूप से मेरा सोच बता रहा हूं। आपका बात सुन के मैं इसलिए माइक इसलिए लिया हूं कि आप लोग एक बात बड़ी बात नहीं बता रहे, आज गुरु को एक्चुअली कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ शिक्षक है, आज गुरु है ही नहीं। और एक बात है, और बच्चों को इतना तक मालूम पड़ जाता है माता पिता की तरफ से कि वो शिक्षक का सैलरी हमारा घर से भी कम है, तो इसीलिए चपरासी से भी चपरासी से कम है, और वो शिक्षक को ये स्टूडेंट कैसा रेस्पेक्ट देगा। आज का प्रॉब्लम और कुछ बड़ी है, आप लोग अगर खुला नहीं बोलेंगे, धार्मिक रूप से हम गुरु लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप महाविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं, वहां पर माता पिता का अप्रोच क्या होता है? वहां ज्यादा माता पिता का रोल इतना नहीं है डायरेक्टली, कितना प्रतिशत माता पिता का? तो शायद 5-10% होगा, उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में माता पिता का रोल बिल्कुल नहीं, जबकि ज्यादा होना चाहिए। हाँ, उनका रोल बढ़ना चाहिए, और जो सांस्कृतिक कल्चरल और भारतीयतात्विक की जो शिक्षा है वो कॉलेज लेवल पर तो कुछ ऐसा समझ जाने लगा है कि इसको देने की जरूरत नहीं है, या ये दी जाती है तो फिर विद्यार्थी को स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी मतलब कॉलेज में जाने का मतलब है कि अभी हुड़ हल्लड़ करने का लाइसेंस। हाँ, आपको कल्चरल एजुकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुसंस्कृत हैं या नहीं है उसकी जरूरत उनको लगती नहीं, आपको कॉरपोरेट सेक्टर का पैकेज चाहिएगा, इसलिए आप अलग तरह की बात करिए, और इस तरह की संस्कृति की संस्कारों की भारतीयता की इस तरह की बात मत करिए, उससे आपका बिल्कुल कुछ। माता पिताओं के बारे में यहाँ पर भी मैनेजमेंट के लोग बताएंगे जरा कि माता पिताओं का अप्रोच क्या होता है। आज माता पिता का अप्रोच ये हो गया है कि वो घर में आने के बाद जब बच्चा स्कूल से आकर के घर आया तो उनका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो खुद भी दोनों माता और पिता कमाने में लगे हैं, लेकिन असली कमाई बच्चे को शिक्षित करना है, मैं ऐसा मानता हूं। उसके लिए ना तो वो उसकी स्टडीज पे ध्यान दे रहे हैं, ना उनके आचार विचार पे ध्यान दे रहे हैं। घर के अंदर भी वही स्थिति है कि अगर कोई आया तो पिता अगर सो रहा है तो वो बोल देगा कि मैं घर पे नहीं हूं, जाके बोल दो, लेकिन इस बात के लिए जिम्मेदारी माँ बाप माता प्रथम गुरु है, हमारी संस्कृति यही कहती है, पर आज दुर्भाग्यवश माँ गुरु भी नहीं रह गई है, प्रथम गुरु क्या वो शिक्षक भी नहीं रह गई है, संस्कारों का ह्रास कर दिया है माता पिता ने स्वयं, जिसके कारण से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को सीरियसली लेते ही नहीं है कि शिक्षा का और संस्कार का तालमेल क्या है, ये माँ बाप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। माँ बाप देखिए, माँ बाप जो है ना, आज जिस तरीके से हम स्कूल चलाते हैं, हमें ये पता है कि उन्होंने एक बच्चे को नर्सरी में दाखिल कराना है तो वो 30 किलोमीटर दूर उसको डाल देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि एक बच्चा इतनी दूर जाएगा, बसों में आएगा जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि दोनों माता पिता जो है ना काम करने वाले हो गए, सुबह निकल जाते हैं, दिन में बच्चा किसके हवाले रहता है किसके हवाले रहता है ये इसका समय नहीं है, माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं आज रहा है, जिसलिए बच्चों जो ना पूरी तरह से बिंदास हो जाता है और उसको फिर माँ बाप की इतनी चिंता नहीं रहती। अगर हमें बच्चों को वाकई में लायक बनाना है तो एक तो हमें घर के आसपास ही बच्चे का दाखिला कराना चाहिए, दूसरा है कि बच्चों को हमें समय जरूर देना चाहिए, खाली टीचर के ट्यूटर के जिम्मे छोड़ देने से आप बच्चे का विकास नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी माता पिता की जिम्मेदारी है। अब हम देखते क्या है कि बच्चा 12 बजे निकलता है, उसको उसमें 2.5 साल के बच्चों को उसमें स्कूल में डालने लगे, मतलब पैदा होने के बाद ही आजकल स्थिति यह बन गई है कि माता पिता ने बच्चों को बिल्कुल एक बोझ समझ के डाल दिया है, बस समझ लिया कि हमने एक बड़े अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, मोटी फीस दे दी तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। जबकि अभी बता रहे थे कि भाई सबसे पहला जो स्कूल है वो माता पिता ही है बच्चे का, उस तरफ से माता पिता बिल्कुल अनजान है, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, स्कूलों की तरफ बिल्कुल वो देख लेते हैं कि एक बोर्डिंग फीस दे दी तो तुम्हारा काम खत्म। बिल्कुल, तो इसमें माता पिता को अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, फीस दे दी तो काम खत्म, ये स्थिति बनी हुई है, और इसका बेसिक कारण ये है कि माँ बाप का अप्रोच बच्चे के प्रति आज का जो एक तरीके से जैसे मैंने ओपनिंग में ही कहा था कि पैसे दिए तो पूरा काम अब शिक्षक का है, ऐसा हो गया है। और दूसरी जो होड़ है 2.5 साल 2 साल जैसे आपने कहा, तो अब तो शायद बाहर आते ही उसके लिए कोई स्कूल शुरू हो जाए, क्यों
और वैसे तो हमारे यहाँ बाहर आने के पहले स्कूल होते थे, वो स्कूल भले ही आज के फॉर्मेट में ना हो लेकिन जन्म पूर्व संस्कार होते थे। अब तो ये बिजनेस के नाम पर दो दो साल के बच्चों के लिए भी प्ले स्कूल हो या तमाम बाकी चीजों को शुरू किया गया है, जिससे बच्चों के ऊपर मानसिक दुष्परिणाम भी होता है। आप कुछ माँ बाप के विषय में कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स तो नहीं हूँ, लेकिन एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे बार बार सब लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स टीचर्स पे ट्यूटर पे छोड़ दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे जो LKG के बच्चे हैं या नर्सरी के बच्चे हैं वो टेस्ट कैसे पास करें एडमिशन के लिए? हमारी माताएं सिखाती हैं ना, ABCD 1 2 3 एंड व्हाटएवर जो भी है, वो पेरेंट्स सिखाते तभी वो टेस्ट पास कर रहे हैं, तभी एडमिशन हो रहा है। इतना सिखाना कोई माँ बाप का कर्तव्य पूरा होना नहीं हुआ? उसके बाद भी वो घर आके जो कल्चर सिखाते वो पेरेंट्स। सीरियल वाली मैडम ही आजकल मिनिस्ट्री में पहुंच रही है, आप क्यों भूल जा रहे हैं? स्मृति ईरानी जी सीरियल वाली मैडम ही है जिन्हें हम लोग देखते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि सीरियल में हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो वो जब वहाँ पहुँच गई क्या माता पिता पीछे रह जाएंगे? HRD डिपार्टमेंट में शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने सीरियल छोड़ दी, कम से कम आप शिक्षक बनने की बात करेगी? नहीं सुनिए ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दी, वो अभी भी नाटक किसी उसमें आ रही है वो। अगर आपने लाइफ ओके में देखा होगा तो अभी भी क्राइम जो एपिसोड आता है उसको वो स्पॉन्सर। लेकिन मैं इन सबके तरफ से और देश के तमाम देशवासियों से स्मृति ईरानी को ये अपील जरूर करना चाहूंगा कि अब जब तक वो शिक्षा मंत्री है तब तक तो कम से कम उन्होंने किसी सीरियल में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियल देखने वाले की गलती है, अगर सीरियल देखने से बच्चों पे दुष्परिणाम पड़ता है तो शिक्षा मंत्री के सीरियल में काम करने से क्या होगा, समझ सकते हैं? ये एक अलग विषय है। मैं स्मृति ईरानी से बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि उन्होंने सीट पर आते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 4 साल का कोर्स था BA का वो 3 साल का करा दिया, और मैं इससे बहुत इंप्रेस हूँ। वो 1 साल तक चलता रहा। चलिए शायद वो 1 साल का करते तो और ज्यादा लोग खुश हो जाते। आज बड़ी विचित्र बात हो गई, सरकारों की बात हो रही है। एक सर एक चीज बोलना चाहूंगी, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम एक चीज बोलना, बच्चे तय करे कि सिलेबस क्या हो, कौन सी भाषा में हो। चलिए माता पिता वाला विषय है, माता पिता वाला। हाँ एक चीज बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगी, संस्कारों की बात जहां हो रही है, आज भी भारत में ओल्ड एज होम बहुत कम है सर। अगर आप बाहर के देशों से वो मत बताइए, आपके बच्चे हैं जी बिल्कुल, मैं इनसे बात करना चाहूंगा, दोनों बच्चों के साथ मैं इधर बात कर रहा हूं, आप इधर आना। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी माँ क्या क्या सिखाती है? पढ़ाई करवाती है। पढ़ाई करवाती है, नहीं करने पे नहीं करवाती है, और नहीं करेंगे तो नहीं करती हूँ। अच्छा आप करती है, ये आपके बुरे फेवर में है। अब इधर आइए। आज जैसा आपने कहा, मैं गुनगुन आज कह रही हूँ कि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरी मम्मी पहले यही पूछती है कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, अभी भूख लगी है, चलो पानी दो। पड़ोसी आंटी ऐसा पूछती है उसके बेटे? नहीं पड़ोसी, चलिए सब माँ ऐसी नहीं है। हाँ आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं दो परिवेश में बात रखना चाहता हूँ, एक ग्रामीण परिवेश में और एक शहरी परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में अभी भी अभिभावक बच्चों को समय देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन और पूछते भी हैं बच्चे कहाँ गए, क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं पढ़ाई किया, अगले दिन स्कूल गए थे, क्या क्या तैयारियाँ करी। लेकिन जहाँ तक शहरी परिवेश की बात है, मेरा बच्चा स्कूल गया कॉलेज गया इसकी तो जानकारी होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज जाने के साथ आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं मॉल में घूमने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, यानी मेरा बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी लेने का समय घर में 2 मिनट उसके साथ समय दें, उनको बताएं। इतना भी अभिभावक के पास समय नहीं है जो मैं बच्चों को पूछूं आज आपने क्या किया और क्या नहीं किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सवाल है। आज पेरेंट्स बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया। हम तो महीने में एक दिन पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, जिसमें हम हर पेरेंट को चाहते हैं भी वो महीने में एक दिन आए, अपनी प्रॉब्लम बताए, लेकिन स्कूलों में ये देख रहे हैं भी उस दिन भी 20-30% या 40% पेरेंट्स आते हैं, 50-60% पेरेंट्स महीने में एक दिन भी स्कूल आने की जरूरत नहीं समझते। उनका काम सिर्फ स्कूल में पैसे दिए
उसके बाद वो कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते। एक विशेष बात, चूंकि हम मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हम ये जरूर देखते हैं कि आज का पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर है और गुरु अगर वो कुछ कहता है तो वो आपके भले के लिए ही बोलता है। आज तो गुरु ने अगर कुछ बच्चे ने कुछ झूठ भी बोल दिया घर पे जाकर के और ये कह दिया कि टीचर ने मुझे कहा, मेरे को एक घटना याद आती है, एक रात को 11 बजे एक स्कूल के मैनेजर को टेलीफोन आया कि भाटिया साहब आपको उस टीचर का वो बताइए एड्रेस कहाँ है, पुलिस वाले ऐसे उसका एसएचओ का टेलीफोन था, भाई आपको रात को 11 बजे किस लिए चाहिए, कहते हैं आज उसने एक बच्चे को डांटा है और हमें उसको जाकर के अभी अरेस्ट करना है। मतलब डांटने के ऊपर भी आज स्थिति ये बन गई है कि आज का टीचर दहशत में है क्योंकि माँ बाप कुछ भी करता है सीधा आकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और टीचर जो है इस वजह से कुछ कहता नहीं है। माँ बाप को इतना सर पे चढ़ा दिया है कि आज टीचर भी पढ़ाने से डरता है, इसलिए माँ बाप के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। माँ बाप अगर बच्चे उसकी टीचर की इज्जत करेगा तो बच्चा भी इज्जत करेगा। जब माँ बाप बच्चे को सिखाएगा कि जो मैं फीस देता हूँ उससे तुझे वो पढ़ाता है, तो निश्चित रूप से इससे जो आज बच्चे के और शिक्षा में गिरावट आई है उसके ऊपर हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। हम जरा एक स्काइप कॉलर के पास चलते हैं, वो क्या बात कहना चाहते हैं सुनते हैं। जय हिंद सुरेश जी बोलिए। मनोज पटेल बोल रहा हूँ सऊदी से। हमारा कहने का मतलब है इसमें तीनों जिम्मेदार है, माता पिता और सरकार और शिक्षक भी। क्योंकि माता पिता टाइम नहीं देते हैं और शिक्षक अच्छे से पढ़ाई नहीं कराते हैं और जो नेता है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी तीसरी बात यह है कि जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को भेजता है अमेरिका, लंदन, जापान पढ़ने के लिए, तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ेंगे। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए। हर चीज पैसा ही नहीं होता। हमारे शिक्षक क्या है, वेतन के लिए हड़ताल पे बैठ जाते हैं, वेतन के लिए धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देते हैं। एक दिन की अगर कॉलेज में छुट्टी होनी चाहिए वहाँ 3 दिन की छुट्टी होती है। अगर हमारा राष्ट्रीय त्यौहार जो है उस पर छुट्टी नहीं होनी चाहिए, उसके विषय में पढ़ाई होनी चाहिए, उस पर छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल 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 धन्यवाद। एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया, इस मुद्दे को मैं कई बार उठा चुका हूं। मैं जरा आपके काफी लोगों की इस विषय पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं खास करके 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे त्यौहार होते, उन दिनों में स्कूलों में हम लोग तो बड़े सज धज के जाते थे, तिरंगा लेके जाते थे, कार्यक्रम करते थे। अब इन दिनों में स्कूलों में छुट्टी होती है, इसके दो कारण हैं। स्कूल का कहना है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि उन दिनों में जो हॉलीडे होते हैं उनका उपयोग माँ बाप को हो, इसलिए स्कूल में छुट्टी की मांग होती है। आप क्या कहेंगे? देखिए जहां तक इसकी बात है, एक राष्ट्रीय पर्व है, दो उन पे अगर छुट्टी होती है तो चूंकि अब मुझे 15 अगस्त का दिन है और मुझे प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनना है, ऐसी स्थिति में मैं स्कूल में जाता हूं तो वो उचित नहीं है कि उस दिन स्कूल खुले। जहां तक 26 जनवरी की बात है उस दिन आपका बाप का तो जो होगा होगा, लेकिन जो बच्चे को स्कूल में जाके होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं देखिए बात ये है, ये इस पे कोई बहस का विषय ये नहीं है। हाँ। कि भाई राष्ट्रीय पर्व है या जो त्योहार है उन पे छुट्टी हो, जो और बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है उनके ऊपर रोक नहीं, राष्ट्रीय त्योहार में तो स्कूल में जाना ही चाहिए ना। नहीं नहीं मैं अगर वो झंडा वंदन नहीं करेगा तो कब करेगा? झंडा वंदन एक दिन पहले हो जाता है। हाँ। ये लेकिन दिन का महत्व तो उस दिन है ना। नहीं ऐसा है, अगर आप लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी पूजन के दिन करेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे और उसको आप मुहूर्त मानेंगे, और क्या 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय मुहूर्त नहीं है? नहीं देखिए ऐसा है हर जगह। नहीं क्या आप क्या कहेंगे? हाँ आज हम बहुत बार चाहते हैं भी 15 अगस्त को बनाएं, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के बाद अगर किसी कर्मचारी को अगर हमने बुला लिया स्कूल में, तो सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट उस दिन हमारे यहाँ चलाने काटने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल आप ऐसी समस्या वो जरूर बताइए क्योंकि देश को ये पता चले कि ये भी समस्या है। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर किसी भी स्कूल में बच्चे आएंगे वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अगर हमने ड्राइवर और कंडक्टरों को स्कूल में बुला लिया, चपरासी को स्कूल में छुट्टी नहीं दी, तो अगले दिन उसकी कंप्लेन होती है, डिपार्टमेंट वाले ये कहने के लिए आ जाते हैं आपने 15 अगस्त के दिन इनको छुट्टी क्यों नहीं दी। देखिए अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी होती है तो मैं समझता हूं देश के सभी विद्यालयों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, 14 अगस्त और 25 जनवरी को ध्वजारोहण रहता है। बच्चों को संस्कार देने की बात है, बच्चों को बताने की बात है कि 15 अगस्त का महत्व स्वतंत्रता दिवस से लेकर के है,
26 जनवरी का महत्व लेकिन उस दिन का उपयोग छुट्टी होता है, ये तो आप मानते हैं। अगर वो स्कूल में आएगा तो कुछ सेलिब्रेशन करेगा, कुछ बात मानूंगा। हम तो ये मानते हैं कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों में भी, भले उस दिन रविवार भी क्यों ना हो, 26 जनवरी और 15 अगस्त को रोज के तुलना में कम से कम 25% काम ज्यादा होना चाहिए। हम अपने पुरखों को, जिन्होंने इस देश को आजादी देने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनको छुट्टी मना के कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? उस दिन मैं एक मिनट में कहना चाहूंगा, उस दिन छुट्टी की बात नहीं है, ये सिर्फ विद्यालयों का कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, पूरे देश का त्योहार है, पूरा समाज इसको बढ़ चढ़ के मनाता है। 15 अगस्त पे आप देखिए जगह जगह पर कार्यक्रम रहते हैं। कहा जाता है बच्चा तो कहीं नहीं जाता है, ये संस्कार माँ बाप को देने हैं बच्चे को। स्कूल वाले क्या करेंगे? स्कूल में 14 अगस्त को और 25 जनवरी को देते हैं। बस वही तो है ना, आप लोग मैनेजमेंट वाले लोग अपने पक्ष को रखेंगे। हाँ, राष्ट्रीय त्योहार अवश्य है, लेकिन सवाल उठता है अगर जब बच्चे उस दिन स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे तो क्या यहाँ के अध्यापक और शिक्षक और जो अध्यापक हैं और प्राध्यापक हैं वो मुझे बता सकते हैं क्या वो उस दिन के महत्ता वो अपने घर में बताते हैं बच्चों को? नहीं बताते हैं। तो अगर जब वो विद्यालय नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय त्योहार का विषय कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल से तो उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि बच्चे भी प्रधानमंत्री का भाषण सुन सके और जो प्रोग्राम टीवी पर, अगर प्रधानमंत्री आज का भाषण देते और बच्चे घर स्कूल में सुन सकते हैं तो उस दिन का क्यों नहीं सुन सकते? नहीं, रिपीट टेलीकास्ट होता है पर उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता। हम छुट्टी की तरफ, मतलब हम प्रो छुट्टी सोच रहे हैं। हाँ, आप इधर, हाँ आप बोलो आपके साथ में। हाँ सर, ये छुट्टी होना ये हमारा मोटिव नहीं है कि छुट्टी है कि नहीं है। हाँ, हमारा मोटिव यह है कि उनको इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए आखिर हुआ क्या। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान में झंडा फहराया जाता है, आप जानते होंगे, बट हम यहाँ पे इस झंडे को फहराकर ये हम बताना चाहते हैं कि ये हमारे धर्म या जो भी मानते हैं हम हिंदुत्व में है। हमने 15 अगस्त की आजादी को अगर 14 अगस्त को मनाया, ये नहीं है कि हम उस 15 अगस्त को ही उसी दिन को मना सकते हैं। हम अपना जन्मदिन कब मनाते? सुविधा अनुसार मनाते नहीं, हम अपना जन्मदिन तो उसी दिन, अगर केक काटने वाले तो केक काटेंगे या जो भी करना है करेंगे, और देश के आजादी का जन्मदिन क्या मनाएंगे सर? हाँ, आपके पास दीजिए। मुझे लगता है कि किसी भी चीज को मानना अपने हृदय से होना चाहिए, किसी भी भाव को। यदि कुछ लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं यहाँ सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मंदिर है। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि यहाँ भगवान देख रहा है। तो क्या मंदिर के बाहर नहीं देख रहा? भगवान हर जगह है। भाव हमारा होना चाहिए। हम 15 अगस्त की छुट्टी, 15 अगस्त की ही बात पे मैं आ रहा हूँ। 15 अगस्त पे कहना चाहूंगा कि त्योहार स्कूलों में जाना चाहिए, विद्यालय में, और इनको। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? वंदे मातरम सर जी। वंदे मातरम, बोलिए। रोशन का जो बोल रहा हूँ। हाँ? आज के जो लड़के हैं ना, उनके लिए संस्कार, संस्कृति और देश के हित में कुछ पढ़ाई में होना चाहिए। और इसके बराबर ही अपने जो टीचर लोग है ना, उन्होंने अच्छे तरीके से, यानी कि सबके सब आंसर स्टूडेंट के देना जरूरी होना चाहिए। और स्टूडेंट ने जो भी शंका हो या कुशंका हो वो प्राध्यापक को बता के उसका हल मिलाना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, पहली बात तो ये है कि जो माँ बाप है ना, वही अपने बच्चों को शिक्षा देने वाले होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, ये प्राइमरी के बाद, इनके जितने भी स्कूल है ना, प्राइमरी के बाद सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 71-72 में। चलिए, एक क्रांतिकारी सजेशन यहाँ पर दिया गया है। हाँ हाँ, अब इधर 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 जरा ये इस मुद्दे पर जरा बात करते हैं कि क्या स्कूलों का एक साथ राष्ट्रीयकरण करके शिक्षा पूरी तरीके से सरकार के अधीन करनी चाहिए? आप कानून में भी है, इस विषय पर भी बोल सकते हैं। जी नमस्कार, अभी बहुत देर से सुन रहा था आप लोग। हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर हम परिवर्तन से इतना क्यों डरते हैं। जब माता पिता की बात आती है तो हम ब्लेम माता पिता पे कर देते हैं, गुरु का जब आता है तो कर देते हैं। क्यों नहीं हम नए विचार के पक्षधर हैं? क्यों हम नहीं यह कहना चाहते कि अगर आज नरेंद्र मोदी ने पहली बार शिक्षक दिवस पे भारत में, भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस के दिन
सारे बच्चों के साथ बातचीत करी, इंटरेक्शन किया। तो ये जो प्रमाइसेस है, इन्होंने जो कहा कि क्यों नहीं ऐसी शुरुआत होनी चाहिए देश में, क्यों नहीं 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन बच्चे स्कूल में जाएं, क्यों नहीं एक राष्ट्रीयता की भावना बनेगी। जो हमारे फोर फादर्स, जो हमारे संविधान ने, जो हमारे देश की बुनियाद है, या उस चीज पे क्या हम वही 1968 में इंदिरा गांधी जब थी तो 1966 में कोठारी कमीशन बना था, और 66 के कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हम 68 में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए। 1986 में जब राजीव जी आए तो उन्होंने उस पॉलिसी को फिर बनाया और कहा नवोदय विद्यालय खोल दिया। क्या मैं सोचता हूं, आप लोग से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ बच्चे को स्कूल में पहुंचा देना ही इस देश की या सरकार की जिम्मेवारी है? क्यों आज के शिक्षा पद्धति में, मैं तो कहता हूं कि शिक्षा पद्धति हमारी अपूर्ण है, क्यों नहीं हम शिक्षा पद्धति में बेसिक लेवल पर रिफॉर्म करें? क्यों नहीं हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ाएं? क्या स्वामी विवेकानंद या अरविंदो या सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट इस मॉडर्न शिक्षा पद्धति के प्रोडक्ट थे? आप बता दीजिए, आजादी के बाद क्या कोई ऐसे टैगोर आजादी के बाद आए? नहीं आए। तो हमारा जो ब्रिटिश समय से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, मैकले ने जो शिक्षा पद्धति जी, उसको हम धो रहे हैं। मैकले ने जो 1835 में एक्ट आया था, और उस समय विलियम बेंटिक थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे, तो हम उस चीज को धो रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूं मैकले की शिक्षा पद्धति ही चल रही है, और जब तक ये नहीं बदलेगी, ये रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक इसको बचाया नहीं जा सकता। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, शिक्षा की बदहाली क्यों। इसके तमाम कारण हैं, क्योंकि किसी एक कारण से शिक्षा की बदहाली नहीं हुई है, और इसको दुरुस्त करने के उन सारे कारणों को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम इस पूरे व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकारी नीतियों को शिक्षकों पर थोपना, देश में शिक्षा के बदहाली का सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतियों को शिक्षक पर थोपना है। सरकार के इस रवैये से शिक्षक शिक्षा से कोसों दूर चले जाते हैं। वो विद्यालय के अन्य कार्यों में ही उलझे रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि शिक्षक अपने मूल कर्तव्यों को भूलकर इन फालतू के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। विद्यालयों की दूरदर्शिता, आज के इस अत्याधुनिक युग में देश के अधिकांश विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से दूर है। शिक्षा के बदहाली का ये भी एक जीता जागता उदाहरण है। कहीं इमारत नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है। ऐसे में बच्चों को शिक्षित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। शिक्षकों के पद का खाली होना शिक्षा के बदहाली का सबसे बड़ा और अहम कारण है। शिक्षकों के पद का खाली होना, विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को शिक्षा कौन देगा? इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर आंकड़ों पर ध्यान डालें तो देश में अभी भी 6,96,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। इन रिक्त पदों में से आधे से अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में भला शिक्षा की स्थिति बदहाल नहीं होगी तो क्या होगी? शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों से भागना, शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से भाग रहे हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षकों की स्थिति सही नहीं है। ना तो उन्हें समय पर उनका वेतन मिलता है और ना ही मूलभूत सरकारी सुविधाएं। ऐसी स्थिति में शिक्षक भी पढ़ाने में आनाकानी करते हैं और विद्यालय जाकर अपना समय काटते हैं इधर उधर की बातें करके। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा की बदहाली में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी एक अहम कारण है। राज्यों में नियत वेतन पर बिना दक्षता परीक्षा लिए नियुक्त करना, ऐसे शिक्षकों को सरकार पंचायत स्तर पर नियत वेतन पर बहाल की है, जिसे ढंग से अपना नाम लिखना भी नहीं आता है, वो शिक्षक बनकर घूम रहे हैं। सरकार ऐसे शिक्षकों को 4,000 रुपए प्रति माह वेतन देती है और वो स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन शिक्षकों की बहाली मार्क्स के आधार पर हुई है, जो जाली दस्तावेज तैयार कर शिक्षक बन गए हैं। ऐसे कई शिक्षक हैं जो जालसाजी के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। ये कारणों पर हमने नजर डाली। जरा शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण। शिक्षा को जनसाधारण के लिए उपयोगी बनाने में विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अंग्रेजों ने देश को तो आजाद कर दिया, लेकिन व्यवस्था की आत्मा गुलाम बनी रही।
तभी तो भारत में शिक्षा के दो स्तर मौजूद हैं, एक निजी शिक्षा और दूसरा सरकारी शिक्षा। धनी वर्ग और अब तो निम्न मध्य वर्ग तक के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो निर्धन तबके के बच्चे कलर चपरासी लाइन में मजदूर बनकर रह जाते हैं। दरअसल समान अवसर न मिलने के कारण समाज भी शिक्षा के इन दो वर्गों में बटा हुआ है। शिक्षा की ऐसी परिपाटी बना दी गई है कि बड़े विश्वविद्यालयों में सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रवेश मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि दाखिले का कट ऑफ काफी ऊंचा रहता है, जो ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में पढ़े बच्चों के लिए संभव नहीं है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षा के स्तर में सुधार की बजाय मिड डे मील स्कीम, छात्रवृत्ति योजना जैसी स्कीम लाकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। इससे सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति तो बढ़ जाती है पर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ती। तो वहीं अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत आवश्यक है और शिक्षा में फैली असमानता को भी दूर करना होगा। सोशल डेस्क, दर्शन। ये आपके सामने हमने स्थिति को रखा है, इसमें एक सरकारी पहलू है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का भी विषय है। हमारे साथ राजनीतिक क्षेत्र के भी कुछ लोग जुड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी भाई साहब ने बताया कि क्या नाम है, जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं। पेरेंट्स जब जाते हैं तो आपका सवाल क्या होता है, आप उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। न पढ़ने का रीजन क्या है? जो सवाल पेरेंट्स का आपसे होना चाहिए वो आप पेरेंट्स से पूछते हैं। नहीं, मैं आपको ये पूछता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के पास शिक्षा विषय का विजन क्या है? कोई भी राजनीतिक एजेंडा जब लाता है, पार्टी जो लाती होगी, लेकिन जैसे विधायक वगैरह आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो उस अपने क्षेत्र में शिक्षा में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमरे बनाएंगे, इसके ज्यादा आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें शिक्षकों की कमी है या स्कूल जो मैनेजमेंट देख रहा है उसकी प्रॉब्लम है। दुर्भाग्यवश शिक्षा एक किसी पार्टी के एजेंडे पर प्रायोरिटी पर नहीं है। हर और स्टेट और सेंट्रल में कम्युनिकेशन नहीं है दोनों में। एक जो RTI अभी बना है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट पर दी है तो उसको कुछ अलग से अधिकार नहीं दिए। फंडिंग सेंट्रल से हो रहा, इंप्लीमेंटेशन स्टेट से हो रही, और स्टेट और सेंट्रल में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी जो घोषणाएं हो रही नहीं, अभी बजट में, इस बजट में PM साहब ने डिक्लेयर किया था कि हर स्कूल में लैट्रिन होगा, यूरिनल होगा, लड़की के लिए सब सुविधाएं होगी, पर कई ऐसे स्कूल है जिनको खुद की बिल्डिंग ही नहीं है, शेड ही नहीं है, उनको कहां से तुम देंगे? ये कहने के लिए बात सादी है, बिल्कुल सिंपल है। पेड़ के नीचे जो स्कूल भर रहे हैं, पर दीवार है तो छत नहीं है, कहां पर ब्लैक बोर्ड है तो चौक नहीं है, ऐसे बहुत से स्कूल है, तो उसको कहां से देंगे? एक तरफ ऐसा है रूरल एरिया में, और दूसरी तरफ CBSE के पैटर्न की जो बढ़ रहे हैं उसके लिए भी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट का। अभी जो मराठी स्कूल, रीजनल स्कूल जो खोले जा रहे हैं नॉन रेंट बेसिस पे, एक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत है नए फॉर्म के मुताबिक। दो साल से अगर आपको स्कूल खोलनी है, वो पुराना जमाना गया कि आप खाली 500 रुपए चालान भरकर स्कूल खोल सकते थे, अब कम से कम 50 लाख रुपए की लागत लगती है, और मैनेजमेंट ये पैसे कहां से लाएंगे? 50 लाख रुपए अगर लगाएंगे तो उसका, और इसलिए वहां की ज्यादातर और परमिशन सरकार के हाथ में है, इसलिए ज्यादातर राजनेता ही कॉलेज खोलेंगे, ये सब खोलते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन के किसी का जोर नहीं है। देश में शिक्षा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज राजनेताओं का ही दायित्व है, क्योंकि वही गवर्नमेंट चला रहे हैं, पॉलिसी उनको ही बनाना, और पॉलिसी पैरालिसिस है शिक्षा को लेकर के। कोई सही शिक्षा नीति अब तक पिछले 65 वर्षों में नहीं बन पाई है, इसी के कारण से शिक्षा की बदहाली है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता बहुत है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी सत्ता में आना चाहती है अपने घोषणा पत्र में बोलती है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि कमरे भी नहीं है, लेकिन कमरे होना भी उतना ही आवश्यक है, उसके साथ साथ उसमें अच्छे शिक्षक होना भी आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी बनाना भी। पहले तो कमरे भी नहीं होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, फिर भी इससे बड़े लोग होते थे, वो गुरुकुल कहलाते थे। क्या गुरुकुलों की स्थिति थी, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। गुरुकुल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान,
गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षकों को सम्मान देते हैं, पर आज के शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों में काफी बदलाव आ चुका है। आज हम गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में सोचें और इतिहास की किताबों से गुजरें तो दृष्टि और सम्मान के मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु सब कुछ है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर के बारे में ज्ञान देने वाला ईश्वर से भी बड़ा है और उसी के चरण स्पर्श पहले करना चाहिए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य की गुरु भक्ति से सभी परिचित हैं। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में हंसते हंसते अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। भारतीय दर्शन तो इन्हीं उदाहरणों से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी जैसा योद्धा खड़ा करने वाले उनके गुरु समर्थ रामदास ही थे और महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे उनके गुरु चाणक्य ही खड़े थे। पहले गुरुकुल परंपरा थी, शिष्य गुरु के साथ ही गुरुकुल में रहते थे और शिष्य के उच्च कोटि के चरित्र का निर्माण होता था। पर अब शिक्षा पूरी तरह से जानकारी ही देने का माध्यम बन गई है। शिक्षा और कुछ शिक्षकों का नैतिकता से रिश्ता टूट गया है। दिल्ली के पब्लिक स्कूलों और अनुदान प्राप्त स्कूलों में हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि दूसरी भाषाओं के रूप में फ्रेंच जर्मन स्पेनिश और जापानी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। 8वीं कक्षा के बाद भारतीय भाषाओं का अध्ययन समाप्त हो गया है, जबकि दिल्ली विद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार यानी 3 भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य है। भारतीय समाज का जितना विकास संस्कृत ने किया है उतना विश्व की किसी भाषा ने नहीं किया है। एक ओर भारत मानव संसाधन का हब बनते जा रहा है और भारत में अध्यापकों का संकट है। देश के 17 IIT के पास 40% टीचरों की कमी है। समय बदल रहा है और समय के साथ गुरुकुल हॉस्टल बन गए हैं। आज का वैज्ञानिक युग है, युवा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, भावनाएं नहीं अब तर्क महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज के शिक्षकों के सामने कठिन चुनौतियां हैं, पर टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की मिठास अभी भी बाकी है। बस जरूरत है उम्मीद ना छोड़ने की, क्योंकि स्टूडेंट का दिया एक पेन या गुलाब टीचर की आंखों की नमी के साथ उसे भी उसके। ये गुरुकुल थे और हालांकि आज गुरुकुल कितने संभव है इस विषय पर सोचना होगा, लेकिन क्या हम उसके स्ट्रक्चर को बदलकर उसके भाव को दोबारा ला सकते हैं क्या? धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे साथ स्वामी विश्वासानंद जी। स्वामी विश्वासानंद जी का परिचय मैं जरा दर्शकों को भी और यहां बैठे लोगों को बताऊं। स्वामी जी आप चेन्नई से जो IIT मद्रास जिसको कहा जाता था वहां से IITian है, करोड़ों रुपए की सैलरी के साथ विदेश में जॉब करते थे, लेकिन जब राजीव दीक्षित से उनका संपर्क आया जो स्वदेशी के आंदोलक थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि विदेश में करोड़ों रुपए की सैलरी लेने से अच्छा है कि मैं अपने देश में जाऊं और देश के लिए कुछ काम करूं। इन्होंने फिर अपना वैवाहिक जीवन या कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया और अविवाहित रहकर संन्यास लेकर भारत की सेवा कर रहे। आज जैसा मैं पहले भी बोला था, आज गुरु कहीं भी नहीं है और हमको गुरुकुलों के साथ अगर देखना है मानस सरोवर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं ऐसा गुरुकुल आज भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है और उसको हम आगे बढ़ाना है। और आज का शिक्षक तो सिर्फ एक पैसा लेके एक नौकरी करने वाला एक नौकर रह गया है और शिक्षा देने वाला भी नहीं रहा है। और दूसरी बात, जैसा पूरा दुनिया अपना वैदिक गणित को आज भी लेके चल रहा है लेकिन हम उसको छोड़ दिए और वेदों में उपवेदों में और अपना उपनिषदों में इतना भरा पड़ा हुआ है उसको हम छोड़ के ये मेकल एजुकेशन के पीछे भागना रियली हमको इतना शर्मनाक चीज है। और आज देखिए हमारे साथ साथ ये जो वेदों के साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश और अपना चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र इतना भरपूर पड़े हैं और ये सब लोग जापान जर्मनी का मैनेजमेंट कॉलेजेस और IITians भी
अपना जो सर्टिफिकेट लेने के बाद इसके ऊपर रिसर्च करके बहुत अच्छा धार्मिक रूप से आगे चल रहे हैं। जिन जिन वेदों के आधार पर हवाई जहाज का खोज हुआ, हमारे यहाँ पर बच्चों को कितना गलत पढ़ाया जाता है। आज इस देश के किसी भी बच्चों को पढ़िए, पूछिए कि हवाई जहाज का खोज कहाँ हुआ, किसने किया, तो राइट ब्रदर्स का नाम लेंगे जो कि सब दुनिया में गलत पढ़ाया जाता है। मैं आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ, मैं उस सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, राम और जो पुष्पक विमान लेके जाते थे। राइट बंधुओं ने विमान उड़ाने के पहले 8 साल पहले तड़पते बंधुओं ने, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेदों के आधार पर, और यह भी दिया गया है कि किस वेद में किस पंक्ति में किस नंबर में क्या कहा गया है, उसके आधार पर हवाई जहाज बनाया और उस हवाई जहाज को मानव रहित, वो नीचे थे और हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था, तरीके का हवाई जहाज उन्होंने दिखाया। हाँ, और वो उड़ाए, उसके बाद वो यशस्वी लैंडिंग हुआ और उसके साक्ष्य बड़ौदा के महाराजा थे, मुंबई के तमाम लोग थे, वहां के अखबारों में वो छप के आया है, उसके प्रूफ आज हमारे पास है। 8 साल पहले ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हम आज भी बताते हैं कि हवाई जहाज की खोज किसने की। ऐसे वेदों का हमारे पास इतना अच्छा ज्ञान होते हुए, हमारे पास तमाम विषय होते हुए हम नहीं जा पाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था इस बिंदु पे कि मुझे गांधी जी का वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने चीतम हॉल में 1931 ईस्वी में कहा था, लंदन में 30 अक्टूबर का दिन था। उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति की अगर बात करें तो मुझे गुरुकुल याद आता है। गुरुकुल मतलब बहुत सुंदर वृक्ष। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वह आज जो सुंदर वृक्ष था उसका भारत में समापन हो गया है और हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति की ओर चले गए हैं जहां पे व्यक्ति बढ़ तो रहा है लेकिन ह्यूमन वैल्यू जो है, मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। और दिनों दिन शिक्षा तो मिल रही है, हम एजुकेटेड हो रहे थे, लेकिन मानव मूल्यों का पतन हो रहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सब इन सब चीज जितना भी अभी हम जिन चीजों पे बात कर रहे हैं या अभी इससे पहले बात कर रहे थे पिछले विषयों पे, सबका निष्कर्ष यही है। या राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग शिक्षा पद्धति में क्यों नहीं फिर से उन चीजों को सुमार करें जो हमारी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है हम ये एक एक पैकेज देख लेते हैं कि आखिर शिक्षक और शिक्षा में क्या क्यों दूरी बनी, उसके बाद हम जरा रिफॉर्म पे बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आमूल परिवर्तनों और अन्य कार्यों की जिम्मेदारी से शिक्षक की शिक्षा से दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर विद्यालय के अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। गौरतलब है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़ विद्यालय के निर्माण और मध्य आहार में लगे रहते हैं। यही कारण है कि शिक्षक अपनी मूल जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहते हैं। शिक्षक को अगर शिक्षक ही रहने दिया जाए तो वो अपनी कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर पाएंगे। साल 2004 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटव बस्ती के प्रधानाध्यापक रहे पूरणमल जाटव को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया था। जाटव का कहना है कि सरकार ने पोषाहार निर्माण, राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि इतर गतिविधियों का बोझ लादकर शिक्षकों को शिक्षा से दूर कर दिया है। शिक्षकों को अध्यापन से ज्यादा चिंता अन्य गतिविधियों को समय रहते पूरा करने की रहती है, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, साल 2006 में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षक वीरेंद्र पांडा का कहना है कि सरकारें नित नए नवाचारों के फेर में शिक्षा की नींव प्रारंभिक शिक्षा को भूल गई है। प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों में एकीकृत करने से शिक्षा का मजबूत आधार कमजोर पड़ गया है। 2003 में खेड़ी शीश गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक धर्मराज जागिंड को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया था। उनका कहना है कि शिक्षा से नजदीकी बनाए रखने के लिए निजीकरण नहीं गुरुकुल जैसी विद्या लागू करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित रह सकें। यही वजह है कि आज शिक्षक शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं। ऐसे में सरकार को भी इन तथ्यों पर सोचने की जरूरत है। अगर शिक्षक विद्यालय के अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हमें बहुत सारे और कामों में उलझा दिया जाता है और शिक्षा के लिए जो टाइम एलोकेटेड होता है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कंपलसरी प्रमोशन कर देते हैं बच्चों की 8th तक, उससे भी शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। बच्चा जब 9th में आता है तो उसे कुछ भी नहीं आता होता। बिल्कुल, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उनको बेसिकली सिखाया ही नहीं गया कि अभी उन्होंने डर के मारे ये सुसाइड केस कर लेते हैं बच्चे फेल हो जाने के बाद, मतलब फेल होने से इतना डरते हैं कि क्या हो गया फेल की सुसाइड हो गए, तो इस चीज से गवर्नमेंट ने 8th कर दिया कंपलसरी। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहूंगा। भारत में रोज 7 बच्चे आत्महत्या करते हैं। कितनी दुखद बात है कि भारत में परिवार की व्यवस्था इतनी अच्छी होते हुए, शैक्षणिक क्षेत्र सामाजिक होते हुए, यहां पर बच्चे 7 बच्चे रोज, कई देश ऐसे हैं जहां पर साल में 7 बच्चे नहीं करते, हमारे यहां पर रोज 7 बच्चे आत्महत्या करते। आप क्या मानते हैं? आप एक विद्यार्थी हैं। मैं यही मानता हूं कि बेसिकली उनको डर लगता है पता नहीं किस चीज से, और डर इसी चीज से लगता है कि टीचर, जो टीचर है उस चीज को पता नहीं क्यों नहीं टीच करते, वो मोरल एक्टिविटीज को क्यों नहीं लेके आते बच्चों के साथ। क्या क्या केवल टीचर का डर है या माँ बाप का भी है? सर दोनों डर है। सर टीचर का सबसे बेसिक डर ये होता है कि टीचर का अगर मैंने कम नंबर लाया तो टीचर मुझे या तो डंडे से मारेगा या किसी चीज से मारेगा, पहली बात तो। और सेकंड ये है कि वो जब घर जाते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि नंबर कैसे आए, वो कहते हैं कि पापा अभी कम नंबर है, तो फिर वहाँ पापा लोग डराते हैं, मम्मी लोग डराते हैं, तो उनमें एक डर हो गया है। उस डर को निकालना है तो वो मोरल एक्टिविटीज, जैसे आज मोदी जी ने किया, इंटरेक्शन करके ही डर को निकाला जा सकता है। और मोदी जी ने जो आज किया, कॉन्फ्रेंस पे किया, मैंने 5 स्कूलों में विजिट किया, आज मैं एनएसआईटी से कर रहा हूँ बीटेक, हमारे यहाँ भी प्रोजेक्टर पे दिखाया गया, बट जो स्कूलों में दिखाया गया। मैं आपसे बात करना चाहूंगा पीछे, क्या आजकल के जो माँ बाप है वो बच्चों को एक प्रोडक्ट के तौर पर स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने फीस दी है अब इसको किसी भी स्थिति में, मतलब माँ बाप का काम है पैसे देना, स्कूल का काम है शिक्षा लेना, और उस बच्चे की ड्यूटी है कि उसको परफॉर्म करना, क्या ये स्थिति है जो आत्महत्या के लिए ज्यादा उसकाती है? बहुत हद तक ये स्थिति है और स्थिति को बदला जा सकता है। कुछ साल पहले जब ये नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं थी तो उस समय भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और इस समय जो बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपके पास 90% आपने मार्क्स लाने हैं, 99% मार्क्स लाने हैं, इतने मार्क्स नहीं हुए तो आपका कुछ नहीं बनेगा, आज की परिस्थिति में इतने एवेन्यूज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने तरह तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज और कमाने की अपॉर्चुनिटीज, मोदी जी भी हमें कह रहे हैं जैसे हम सिंपल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं, तो मतलब एजुकेशन का होना चाहिए, ना कि आपका आपने कितने मार्क्स लाए, और उस मार्क्स से अगर आपका 1% कम हो गया तो कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, तो ये वाला जो एक अननेसेसरी प्रेशर है ना बच्चों का। जो दिल्ली में अखबारों में हम देखते हैं जब एडमिशन की लिस्ट खुलती है, तो जो दिल्ली NCR में पहला आया उसका भी वेटिंग लिस्ट में नाम था जी। तो ये कॉम्पिटिशन भी उसके लिए लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो यहाँ आके, बहुत नेगेटिव है, तो ये पेरेंट्स पे भी प्रेशर है। और अनफॉर्चुनेटली अब सिस्टम में टीचर्स पे परफॉर्मेंस का प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि आपने पहले, मेरे मदर जो है वो टीचर थी, तो घर में अक्सर ये डिस्कशन होती थी कि हम इस बार हमारा इतना परसेंटेज आया, तो उनका जो परफॉर्मेंस की एक बहुत बड़ा मापदंड ये होता था कि कितने बच्चे पास हुए क्लास के। अब क्योंकि कंपलसरी पास कर ही देने हैं तो इसलिए टीचर्स भी कहीं ना कहीं लैक्स हो गए हैं, बच्चों को भी पता है हम नहीं पढ़ेंगे तो भी पास हो जाना है। आप मानिए 12वीं क्लास का पास किया हुआ बच्चा ना ढंग से कोई भी भाषा को लिख बोल सकता है, ना किसी तरह की वो पढ़ाई में किसी भी तरह से निपुण नहीं। ये ऐसा कहा जाता है, आप मैनेजमेंट से हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्कूलों के दुकान खुल चुके थे और लेकिन नीचे से बच्चे उतने परसेंटेज में ऊपर नहीं आ रहे थे, तो दुकान पूरा भरना चाहिए, माल पूरा बिकना चाहिए, सीट सारे भरने चाहिए, इसलिए पॉलिसी रखो कि जितने बच्चे नीचे से आते हैं उनको ऊपर भेज दो। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है उसमें एक पॉलिसी ये रख दी कि 8वीं क्लास तक आपने बच्चों को फेल नहीं करना, चाहे वो पेपर खाली भी छोड़ के आ जाए। और कई बार ये भी देखा गया है कि उस बच्चे ने लिख दिया मास्टर को कि अगर हिम्मत है तो फेल करके देगा, खाली कापी छोड़ के जा रहा हूं। उसका परिणाम सिब्बल ने किया है। हाँ, और उसका परिणाम ये निकला है कि अभी मैंने राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें इंफॉर्मेशन एक्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें दिल्ली के 1100 स्कूलों से मुझे इंफॉर्मेशन मिली,
और एट्थ क्लास तक बच्चा पास होकर चला जाता है, नाइन्थ में जाकर 90% बच्चा फेल हो जाता है। उसका कारण यह है कि उसे पता कि एट्थ क्लास तक मुझे पास करना है, नाइन्थ में जाकर जब उसको मार्क्स की बात की जाती है तो, और उसमें भी अब इतना बच्चा भी तब हुआ है कि हमारे यहाँ दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक एस ए और एक एफ ए। एस ए में 60 नंबर होते हैं और एफ ए होता है 40 नंबर का। पहले उस 40 में से ही 33 मार्क्स लेके बच्चा पास हो जाता था, अब पहली बार ऐसे क्या है, उस 60 में से 15 नंबर लाना जरूरी है, तब जाकर के 90% बच्चा फेल हुआ है। तो सरकार की पॉलिसियां आप देखें, दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, आजादी को 68 साल हो गए और दिल्ली आज भी टेंटों में स्कूल चल रहे हैं, आज भी खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं, आज भी यहाँ के पहना है। शिक्षा पॉलिसी कुछ नहीं है और सरकार कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये पॉलिसी जो है कभी भी 68 साल में किसी भी सरकार की शिक्षा प्राथमिकता नहीं रही, आज पहली बार मुझे लगता है कि इस देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी प्राथमिकता शिक्षा रही और कुछ अब सुधार देखने को हमको मिलेगा। तो इसमें जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा को जो आज उन्होंने बनाया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। अभी हम थोड़ा सा उस मुद्दे से आगे आ चुके हैं कि क्या नापास न करना ठीक है, थोड़ा हम इस पे वोटिंग करते, वोटिंग जरा सबको वाइड एंगल में दिखाए कि क्या नापास न करना मतलब सबको पास कर दो ये पॉलिसी ठीक है, जिसको ठीक है अच्छी लगती है वो हाथ ऊपर करे कि सबको पास करना ठीक है। आप सबका विरोध है, सबका विरोध है कि ये विरोध है, सबका विरोध है। ऐसा अगर है तो फिर भी अगर ऐसा होने के बावजूद भी अगर ये पॉलिसी बनी हुई है तो इसका मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट को नहीं लगता, विद्यार्थी को नहीं लगता, खुद विद्यार्थी जो इसमें पढ़ता है वो भी चाहता है कि किसी भी तरीके से वो कॉम्पिटिशन में उतरे। नापास होता है तो चलेगा, लेकिन उसके पास नापास का निर्णय हो, फिर भी ये पॉलिसी क्यों चल रही है। हमें कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नमस्कार, बोलिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने देशवासियों को कि एमए पीएचडी या मैट्रिक की डिग्री प्राचीन समय में नहीं हुआ करती, जब पुराण और वेदों की रचना हुई। और ये आप विचार करिए कि मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था कि हम भारत को किस प्रकार से लंबे समय के लिए गुलाम बना करके रख सकते हैं, वो आज भी उपलब्ध है, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। और उसका ये दुष्परिणाम है कि कांग्रेस सरकार ने उस मेघालय की नीति को ज्यों का त्यों लागू किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। हमारी भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हुआ, जिस कारण से आज हम भोग विलास की ओर चले जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि पिछले 100 साल में 150 साल में संस्कृति के फील्ड में, इतिहास के फील्ड में कौन से नोबेल प्राइज भारत को मिले हैं, जबकि हमारे यहाँ जो रिसर्च हुई है वो जिसमें कि गणित का सिफर हम लोगों ने दिया, हमारी संस्कृत भाषा जो कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश में उन लोगों का शासन रहा जिन्होंने विदेशों के साथ संबंध ज्यादा रखा, जिनकी आस्था जिनका विश्वास विदेशों में था, इस करके हम लोगों का शिक्षा का स्तर गिर गया। आज जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या केवल मानवता है। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ और 11th को पढ़ाती हूँ, और हिस्ट्री के अंदर जो कैरिकुलम है, जो कैरिकुलम है हिस्ट्री का, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में और एक ही फैमिली के बारे में बात की जाती है, इन्होंने आजादी दिलाई, और जो लाखों लोग और खत्म हो गए, पीढ़ियां खप गई, उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। और हिस्ट्री जो है ऑन द होल एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक बिल्कुल एक तरफा है और कम्युनिस्ट लाइंस पे है, और जो ब्रिटिशर्स लिखे तो आप पढ़ाती है जी, तो आप जब पढ़ाती है, आप जो बता रहे जिसमें आपकी आपत्ति, आपने कभी विरोध दर्ज कराया? सर, किसको कराएं? किसको कराएंगे जी, जिसके बाद कराना वही बैठा हुआ है जी, बिल्कुल। मुझे मैं बहुत बार पूछता हूं, आजकल सोशल मीडिया में मैंने पिछले दिनों जो डाला था जिसपे हम जल्दी एक कार्यक्रम भी लाने वाले हैं, इतिहास की आप बात कर रही है, एक साथ दो कैरेक्टर महान कैसे हो सकते हैं? जिस औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी और जिसको शिवाजी महाराज मराठों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, दोनों को आप महान कैसे दिखा रहे हैं? इधर एक तो अकबर महान होगा या महाराणा प्रताप महान होगा, एक दोनों को आप महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब शिक्षा से कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, यह नई पॉलिसी आई है। महाराष्ट्र में
अफजल खान एक कैरेक्टर है और शाइस्ते खान एक कैरेक्टर है और तमाम ऐसे कई कैरेक्टर हैं जो शिवाजी महाराज, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के विषय में ज्यादा पढ़ाया जाता है, वैसे देश में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि शिवाजी महाराज ने उनका पेट फाड़ा, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पढ़ाने से बच्चों के मन में कम्युनल भावना बढ़ती है, जातीय भावना बढ़ती है, मुसलमान हिंदू में भेद फैलता है, तो अब ऐसा ना पढ़ाओ। तो अब ये क्या पढ़ाओ, तो जो कमिटी बनी हुई थी कि क्या सिलेबस होना चाहिए, इनका पेट फाड़ा गया है शिवाजी महाराज द्वारा ऐसा कहने के बजाय क्या कहा जा सकता है, जो कमिटी बनी थी उसमें से एक एक्सपर्ट ने ऑफिशियली ऐसा लिख के दिया था, हालांकि उनका वो निषेध करने का तरीका था, लेकिन उन्होंने लिख के दिया था कि शिवाजी महाराज उनको मिलने गए, क्योंकि वो शिवाजी महाराज के पिताजी शाइस्ते, शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनके और उनके आपस के संबंध थे, तो उनको मिलने गए और उनको गले लगाया, उन्हीं दौरान उनको गुदगुदी की और उनको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। अगर ये स्थिति हमको पढ़ाई जाएगी स्कूलों से, तो क्या हम सच्चाई, इतिहास कड़वा भी क्यों ना हो वो सच्चा होना चाहिए और वास्तव होना चाहिए। हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा ये कहना है, जहां तक इतिहास का सवाल है, कब तक हम आज की शिक्षा पद्धति में मेकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ते रहेंगे, क्या मुगलों की पद्धति को पढ़ते रहेंगे? एमएफ हुसैन को पढ़ाया जाता है, अकबर बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या हमारे देश में क्रांतिकारियों की कमी है? क्या हमारे देश में भगवान राम के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, स्वामी विवेकानंद है, आर्यभट्ट है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके विषय में पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ करके कॉलर के पास चलते हैं कि कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, मुझे कहना है, सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक हूँ। सर, शिक्षा की बदहाली का एक मुख्य कारण है शिक्षकों की अरुचि। जो अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन या कोटा की वजह से कम काबिल लोग प्रमोशन लेकर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, और जो ज्यादा क्वालिफाइड हैं और मेरिटोरियस टीचर हैं, उनके मन में एक क्रोध रहता है और वो शिक्षा के कार्य को पूरा मन से नहीं करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी एक पहलू इन्होंने बताया। अगले कॉलर के पास चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को कहें। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सीपी वैसे सलमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मेरा कहना है कि शिक्षक और गुरुदेव में फर्क है। सुरेश जी, मैं 41 वर्ष पूर्व आपको ले जाता हूँ, जब मैं 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ता था, हमारे गुरु थे नवल किशोर रस्तोगी। जब वो क्लास में आते थे, नीम की छड़ी जो है उतरवा के नीम से और रख देते थे मेज के ऊपर। हमने 3 साल जब व्यतीत कर दिए, जब जाने लगे 10वीं क्लास पार करके, तो हमने कहा गुरुजी छड़ी देख के हम डरते रहे 3 साल, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने एक ही बात हंस के कही कि बेटा कुछ नहीं, तुम इससे डरते रहे, मैं तो इससे धातुन करता रहा। ये शिक्षा, ये गुरु अब नहीं है, मेरा इतना ही मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। सर बोलिए इकबाल भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ने प्रोग्राम बहुत अच्छा आपने दिखा रहे हैं सर, और मैं आपके मेहमान का भी स्वागत करता हूँ सर। सर मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता की होती है, उसके बाद माता पिता और उसके बाद टीचर की होती है, और ये 3 के ऊपर बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है सर। अगर माँ बाप अगर बच्चे को 5 साल तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी शिक्षक बन के रहे। बिल्कुल, और हमने माँ बाप के विषय पर भी यहाँ पर चर्चा की है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि शिक्षा की बदहाली आखिर क्यों है, क्यों हमारा ये देश अब शिक्षा में इतना नीचे गिर गया है कि 200 विश्वविद्यालयों में हमारा नंबर नहीं लगता। जहां के विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना कभी गौरव की बात होती थी, वहां पर विदेशी विश्वविद्यालय आके विद्यालय खोल रहे हैं और
ऐसे ऐसे कोर्सेज ला रहे हैं। अगर हम आपको पता होगा कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज यहां पर आई है जो सेविंग कैसे करनी है इसका डिप्लोमा दे रही है, सेविंग कैसे करनी है इसका डिप्लोमा दे रही है। मतलब इस हिंदुस्तान को आप बाहर से आके कोई ये पढ़ाएगा कि सेविंग कैसे की जा सकती है। ये और भी इतने जिसको आप जिसका नाम लेंगे को आप हंसेंगे, कुत्तों को घर में कैसे पाला जाए इसका डिप्लोमा देने वाले कोर्सेस आए हैं। माँ बाप को ना पालने वाले लोगों को पढ़ाने के संस्कार नहीं, और कुत्तों को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा के कोर्सेस आ रहे। तमाम ऐसे विषय हैं, बस उसमें एडमिशन भरो और दुकान को चलाते रहो, इस प्रकार का भाव है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम छोर के ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में हम महाविद्यालय क्षेत्र के तरफ भी जरा रुख करेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं। अब हम प्राथमिक पर तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन हम थोड़ी अब उच्च शिक्षा पर बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है? मुझे ये लगता है कि सारा जो फोकस है अभी तक टीचर और उसके पेरेंट्स तक सीमित रहा है। फोकस शिक्षा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल नहीं गया है। शिक्षा का जो प्रशासन है, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसकी तरफ वो कितना इफेक्टिव है, ये सारी कमियां इस देश में हैं। उसके बावजूद भी मोदी जैसा नेता है तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा ही शिक्षा में अगर घर का हेड या स्कूल का हेड या कॉलेज का हेड या यूनिवर्सिटी का हेड उसकी एजुकेशन, उसका कैलिबर, उसकी क्षमता, उसकी कंसेप्चुअल स्किल्स, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देकर यदि उसको ठीक तरह से अपॉइंट कर दिया जाए तो वो पूरी टीम को, 50 लोगों की टीम है तो उसको, 200 लोगों की है तो उसको, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे 10,000 टीचर्स की टीम है तो उसको वो मोटिवेट कर सकता है, वो उनको डायरेक्शन दे सकता है। यदि उसके क्या, उस क्या, पर... आप लोग मानते हैं कि आज जो मोदी का पूरा कार्यक्रम हुआ उसका मोटिवेशन में उपयोग होगा? जबरदस्त मानते। जरा हम एक बार उसको देख लेते हैं, प्रधानमंत्री का प्रमुख मुद्दे, उनके भाषण में उन्होंने क्या कहे उसको देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। मैं भी शरारत करता था, मैं एक बता दूं कैसी। तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और सहने वाले बजाते तो हम दो तीन दोस्त थोड़े शरारती थे, हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है, क्या होता है आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है, अभी आता है ना। तो बजा नहीं पाता था। जैसे माँ अपने घर में तीन बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता, सबके सब अपने होते हैं, हर एक के गुणों को जानना चाहिए। अगर मैं टीचर होता तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन का पक्ष का नहीं होता, कोई प्यारा कोई कम प्यारा ऐसा नहीं हो सकता, सबके सब अपने होने चाहिए। देखिए मैं टास्क मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी और समय पे काम हो इसका आग्रही भी, और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूं और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूं, ऐसा नहीं है। बाकी तो मैं नहीं जानता हूं, अगर तुम्हारे स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो तो आई एम थैंक यू फॉर यू। कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, करने का आनंद बहुत रहेगा।
और इसलिए मेरे जीवन में काम ये बात बहुत काम आई है। दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, उसके जीवन की सफलता के संबंध में दो बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी मां का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान है। करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन में ये बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन यही बात हम जहां हैं वहां हम एक सजगता पूर्वक उसको जीने का प्रयास करते हैं क्या? सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे। भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हां मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा। मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। मुख्यमंत्री कार्य का अनुभव होने के कारण इस दायित्व को संभालने में, समझने में और अफसरों के साथ काम लेने में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत सरलता से मैं इसको कर पाया। हर काम गूगल गुरु करता है, कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है। और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। आज आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में चार बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से, कितने हैं? नहीं है ना? देखिए जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम चार बार पसीना निकलना है। हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे वंचित न रखें। अगर हम उसे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े, वो विश्व को उस रूप में जानने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों को खेलने से लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, क्या आज खेलने के विषय में भी मां बाप टाइम दे पाते हैं बच्चों को? बल्कि वो उसको टीचर, पढ़ाई और होमवर्क और इन सब चीजों में दबाए रखते हैं, जबकि खेल कितना आवश्यक है। देश का प्रधानमंत्री बता रहा है कि पसीना निकलना चाहिए श्रम करने की, और शारीरिक दृष्टिया खेलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या ऐसा होता है? दोनों चीजें हैं, बच्चों को हम लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो शारीरिक एक्सरसाइज है वो भी होनी जरूरी है, वो स्कूल में करवाई भी जाती है, पीटी पीरियड इसीलिए होते हैं, फिजिकल एजुकेशन स्कूल में। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में दो दिन तो जरूर होते हैं, कंप्यूटर विद कंप्यूटर फिजिकल एजुकेशन भी दो दिन जरूर होते हैं, मार्च परेड भी करवाई जाती है स्कूल में। लेकिन जितना पहले खेला जाता था, शायद जो मैं 41-42 के रेंज में हूँ, हम लोग तो पूरा संडे बाहर खेलते थे और स्कूल से आने के बाद भी आधा दिन खेलने में बदलाव आया है। इसीलिए कबड्डी सुनिए, कबड्डी आपने देखा होगा अभी चैनल पे दिखाया गया है, सोनी चैनल पे कबड्डी को दोबारा से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। कबड्डी जो बिल्कुल बंद हो गया था वो तो अमिताभ बच्चन के बहुने उसकी टीम ले ली। हम हमेशा ये सर प्लीज, हम हमेशा यही होते रहते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के एंगल की तरफ चलते हैं कि क्या क्या हमें
बिल्कुल, हम दूसरे की गलती दिखाते हैं। हाँ कुछ, हाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री ने उपस्थित किया है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द चिल्ड्रन। ये बहुत सीरियस लग रहा है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना सोचते हैं, तो इसका मतलब ये गरीब अमीर दलित या उच्च वर्णीय इसका सब बारे में प्रधानमंत्री ने पूरा अभ्यास किया है। और जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ देश को करना पड़ेगा शिक्षण पद्धति। उन्होंने तो सबको एक लाइन में हिंदुस्तानी कह के बच्चे कह के पुकारा उनके। मैं हाँ इसमें हाँ दो बात साफ नजर आती है, एक तो भावनात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने बच्चों को बच्चों की भाषा में सरल रूप से जोड़ने का प्रयास किया, साथ साथ उन तमाम मुद्दे जो बच्चे के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, चाहे वो खेल हो या मॉरल एजुकेशन हो या फिर बच्चे कैसे करें या डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आज मुझे याद है एक बच्चे ने लेह से प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप यह बताइए कि आप क्या कहेंगे, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है और एक एवरेज है और बहुत मेहनत करता है, तो आप किसको पसंद करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि देखो इसमें ऐसा है कि एक टीचर के नाते अगर हम देखें तो हमारा इस चीज पे विशेष फोकस होना चाहिए कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनके अंदर की जो काबिलियत है, क्रिएटिविटी है, उसको हम निकाल सकें। यहां कोई तेज बच्चा का बात नहीं है, एवरेज बच्चों का बात नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि इन सब को प्रधानमंत्री के नजर से देखते हुए इससे पता चलता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो इस बार लिखा हुआ था 5% जीडीपी को हम एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च करेंगे, लगता है जरूर और अच्छे दिन की संभावना नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी अच्छे दिन शिक्षा के कैसे आएंगे मैं समझता हूँ इस विषय पे किसी ने नहीं बोला। मैं आप सबसे उपाय की तरफ जाएंगे, हमने उपाय शुरू नहीं किया। मैं समझता हूँ आज अगर जब भारत को जानना हो तो मैं कहाँ पे जान सकता हूँ, इस दिशा में शिक्षा में अच्छे प्रयत्न करने चाहिए। और भारत की सरकार ने अभी बहुत अच्छे प्रयत्न, मोदी जी ने जो स्किल्ड इंडिया का नारा दिया है। चलिए हम उपाय नहीं लेते, उपाय के पहले जरा परिणाम देख लेते कि क्या परिणाम होंगे, अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम उपाय की तरफ जाएंगे। शिक्षकों का अपमान, जिन बच्चों को पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है वे बच्चे शिक्षक और छात्र की गरिमा को भूल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपने शिक्षक का जमकर उपहास करते हैं और शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपमानित होना पड़ता है। देश का विकास रुकेगा जब तक देश का हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। शिक्षा से वंचित व्यक्ति ये समझने में असमर्थ होता है कि जो वो काम करने जा रहा है उससे देश का विकास रुकेगा। विश्व स्तर पर देश की छवि का धूमिल होना, शिक्षा से वंचित व्यक्ति देश की छवि उछालने से बाज नहीं आता है। उसे ये पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है उससे विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल होगी। आज भी भारत साक्षरता में कई देशों से पीछे है, साथ ही सरकार को भी विश्व स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल होने के कारण सरकार को अन्य राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता पिता के सम्मान में कमी, शिक्षा के अभाव में बच्चे अपने संस्कारों को भूलकर अपने ही माँ बाप का अनादर करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। देर रात घर आना, माँ बाप के पूछने पर गाली गलौज करना आम हो जाता है। ऐसे बच्चों के कारण माता पिता को समाज में अपमानित होना पड़ता है। वे चाह कर भी अपने बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, शिक्षा से वंचित व्यक्ति देश हित में सोचना बंद कर देता है। यही वजह है कि वो दूसरों के बहकावे में आ जाता है। उसे सही गलत की समझ नहीं रहती है और चंद पैसों की लालच में वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। उसे ये समझ नहीं होती कि वो कहाँ है और वो कब आतंकी संगठनों में शामिल हो जाता है। उसे भनक भी नहीं लगती है। उसके बाद वो अपने ही देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगता है। ऐसे लोगों का शिक्षा से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। रेप की घटनाओं में वृद्धि, दिन प्रतिदिन देश में रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा से वंचित व्यक्ति किसी जानवर से कम नहीं होता है। उसे पता नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। वो नशे में धुत होकर किसी भी माँ बहन के इज्जत से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नाबालिगों की तादाद भी इस दिशा में कम नहीं है। यही कारण है कि रेप जैसी घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।
चलिए हम सारे पैनल के पास आएंगे और कहेंगे कि एक लाइन में सिर्फ एक उपाय बताना है, एक उपाय दोबारा किसी ने नहीं बताना है। अब क्या उपाय बताएं? मैं ये कहना चाहता हूं कि स्कूलों या कॉलेजों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ज्यादा जोड़ देना चाहिए, इस वजह से बच्चों को रटना ना पड़े अपनी किताबों को, वो खुद सिर्फ उपाय हाँ, वो खुद समझ सके हाँ, अपने। मेरी राय है कि विद्या मनुष्य को इंसान बनाती है ना कि पशु। इंसान यदि उपाय यह है कि इंसान को चाहिए कि विद्या ग्रहण करके और देश की सेवा करे ना कि पशु बने। कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच। शिक्षा ऐसी हो जो जीवन के लिए उपयोगी हो और भारत की सभ्यता संस्कृति और परंपरा के बारे में पता चले। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए सबसे। डबल बात नहीं कहे हाँ। शिक्षा घर से शुरू होनी चाहिए, स्कूल तक पहुंचनी चाहिए और सरकार से उतरनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ये लड़के लड़कियों को दोनों को दी जानी चाहिए स्कूलों में, और मोदी जी ने जैसे कहा तो लड़कों को खासकर शिक्षा इस विषय में। शिक्षा जीवन उपयोगी हो और उसके साथ साथ जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसको अगर क्या नाम मोदी सरकार उसका सरकारीकरण कर दे तो बहुत अच्छा है। एक तो नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया जाए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार हो। दूसरा सरकारी जो स्टेडियम जितने भी बनाए हुए हैं स्पोर्ट्स में, दिल्ली जैसे शहरों में स्पोर्ट्स की और लैंड की कमी है, और सरकारी स्टेडियम को बच्चों के लिए खोल दिया जाए, सबके लिए खोला गया जाए। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता के तौर पर ले और बार लेवल पे इसमें 5 साल में काम करे। ठीक। शिक्षा नीति में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। शिक्षा में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्टेट की और सेंट्रल की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। शिक्षा में गरीबी और अमीरी को आपको दूर करना चाहिए। दूर करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि टीचर्स जजमेंटल ना हो, कभी कभी वो जजमेंटल हो जाते हैं, एक ही बच्चे पे ध्यान देते ऐसे उनका दूसरों बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, बोल तो दो। हैप्पी टीचर्स। मैं इतना कहना चाहूंगी कि हर शिक्षक को स्वयं की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हर उस्ताद को टीचर को जो है बराबरी का दर्जा देना चाहिए स्टूडेंट्स में। प्राइमरी एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है, रिफॉर्म करना चाहिए। जो पुराने कानून है 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें बदलाव हो, नया एजुकेशन पॉलिसी आए उससे सारे जो चीजें तमाम सवाल का जवाब आ जाएगा। पूरे राज्यों में और देश में एक शिक्षण पद्धति हो, समान सुविधा सभी विद्यार्थियों को मिले और शिक्षण का हक सबको मिलना चाहिए। जैसा मैं बोल रहा था वेदों के साथ, जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी ने पोस्ट प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही पहले हफ्ते में ये गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक, ये जो बुक IITians का जो प्लान को रिलीज करके बोला था, मेरा एक ही अनुरोध है कि इसको आने वाला 3-4 साल में लागू किया जाए, सब कुछ समाधान हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की है, उसमें उनका कहना है कि शरीर मन बुद्धि आत्मा सारी चीजों का विकास जब तक शिक्षा नहीं कर पाएगी तब तक समाज को वो विद्यार्थी सिटीजन बन के सब कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसी शिक्षा हो जिसमें संस्कार भी हो, जिसमें मन का बुद्धि का आत्मा का सबका विकास होता हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ विद्यार्थिनी है, ये इनके लिए या हम सब के लिए वैसे हम चर्चा करें, लेकिन इनको जो कि आज का विद्यार्थी है कल का जो नागरिक है, आप क्या अपेक्षा रखती है? पूरे हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है, देश विदेश के लोग देख रहे हैं, यहाँ भी सब लोग बैठे हुए हैं, इनको आप बताइए कि आपको क्या अपेक्षा है इन सब से? अभी हमारे जो देश की स्थिति है, अभी हमारे देश में एजुकेशन अच्छी है पर आज भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी बच्चों के पास एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुँचे, क्योंकि जो बच्चे हैं कल वो फ्यूचर में हमारी इंडिया का ही बेटरमेंट के लिए वो बनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अभी लड़कियों के लिए कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब लड़कियाँ पैदा होती है तो वो उन पर बर्डन है, वो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं कि लड़कियाँ स्कूल जाके क्या करेगी, ये गलत सोच है। लड़कियां आजकल क्या कुछ नहीं कर रही हैं, लड़कियां टीचर है, लड़कियां पायलट है, लड़कियां डॉक्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की
हर एक लड़की स्कूल जाए, स्कूल से कुछ सीखे, ताकि वो इंडिया की बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ करे। तो इंडिया के लिए बेटरमेंट की जो है वो और आपने महिला का विषय छेड़ा, लड़कियों का विषय छेड़ा, यही वो देश है जिस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला हो चुकी है और कई हजार सालों में कई रानियां इस देश ने दी है। अभी जो लोकतंत्र की बात करते या महिलाओं के बराबरी के हक की बात करने वाले देशों में अभी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला न बनने वाली की तादाद 150 से ज्यादा देश है जहां पर नहीं बने हैं। हमारा ये देश है जहां पर लाखों सालों की हमारी सभ्यता ने कई ऐसे हजारों रानियों को, हमारे प्रशासकों को हम तक पहुंचाया है जिन्होंने महिला के चरित्र को और ज्यादा चित्र को हमारे सामने लाया है। आज के इस पूरे दो घंटे के विशेष बिंदास बोल में हमने प्रयास किया कि हम ज्यादातर विषयों को छू लें, लेकिन मुझे पता है कि ये विषय सागर जैसा बड़ा है, इसलिए हम सब कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादातर विषयों को छूने का हमने प्रयास किया है। आज के इस दिन के बहाने हमने जो ये विषय शुरू किया है ये यहीं पर ना रुककर आगे चलता रहे और ये चलते चलते वहां तक पहुंचे जहां पर हिंदुस्तान को पहुंचना है और वो पहुंचने का स्थान है विश्व गुरु का। वहां तक पहुंचने के लिए हम सब लोग निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद।